ठीक है, बाद बट फिर व्हाट आज इज योर फादर डू? माय फादर हैज अ बिजनेस, हाँ ओके, सो इट्स अ लार्ज स्केल बिजनेस और स्मॉल स्केल बिजनेस? स्मॉल स्केल बिजनेस सो एक नॉर्मल, मतलब इंसान जो इतना बहुत ही मेरा हम्बल फैमिली से आया है, ठीक है ना, और ना प्लीज डू नॉट माइंड, बट मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो गरीबी में आती है, ठीक है ना, और एक मिडिल क्लास का बच्चा जब यहाँ पर पहुंचता है, सो व्हाट, क्या माहौल क्या बदल गया तुम्हारा अब? इट वॉज वेरी डिफरेंट. लाइक इट इज माई फादर्स लाइक हमेशा से ड्रीम कि ही इज लाइक कि अगर मैं उनको दो ऑप्शन दूंगा ना, आज भी अगर मैं कहूंगा कि अब जॉब मिल रही है 10-15 लाख रुपए महीने का पैकेज है, और मैं कहूंगा अब ग्रुप ऑफिसर जॉब मिल रही है, मतलब आएंगे वही कट कटा के 1-2 लाख, तो ही विल ऑलवेज से कि भाई ग्रुप ए ऑफिसर. तो मैं 10-15 लाख भी छोटे बोल दिए मैंने, मैंने कहा मैं लाइक मैं ज्यादा ही बोल दूँ ना कि इतने पैसे मिल रहे हैं. ही इज लाइक नेवर मनी माइंडेड, और उनका हमेशा ही रहता है, उनके एक डायलॉग हमेशा से रहता है कि तुमने देश को क्या दिया, तुमने खतरनाक, देश को क्या सिर्फ दिया? तुम्हारे तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है देश में, तुम बस ये बताओ. ये है अयाज। अयाज अपने एफकैट की एंट्री में पहली बार में रिकमेंड हो गए हैं, और नॉर्मली ये माना जाता है यार, जो पहली बार में रिकमेंड हो जाता ना, उसके नसीब का खेल होता है, उसके नसीब में लिखा था और इसलिए वो हो गया। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो क्लियरिटी ये दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता, दैट्स फॉर श्योर। एंड यू विल रियलाइज कि एक एक वर्ड जो ये बोलेंगे ना, आपको एहसास होगा यार ये पहले कभी क्यों नहीं सुना, पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, ऐसा लगेगा आपको। एंड दैट वॉज सच एन ऑसम इंटरव्यू आई एम जस्ट गोइंग टू टेक, दैट यू विल फील ब्लेस्ड। अयाज ने अपनी जर्नी में एक बात का ध्यान रखा था, उन्होंने अनअकैडमी का प्लान 6 महीना नया खरीद के 12 महीने का खरीदा था, क्योंकि 12 महीने का प्लान इनको 6 महीने के दाम पे मिल रहा था। और वो कैसे मिल रहा था मैं आपको बता देता हूँ। पहले उन्हें गोल्ड कॉइन इस्तेमाल किए, जो आप जैसे साइन इन करते हैं फेसबुक पे वैसे करने पे मिलते हैं करीबन 550, और उसके बाद कूपन कोड यूज किया वाश ने, और उसके बाद इनको काफी हैवी डिस्काउंट मिला, जिसकी वजह से ये 12 महीने का प्लान 6 महीने के रेट पे खरीद पाए। जैसे आज आयास का इंटरव्यू मैं ले रहा हूं, मैं चाहूंगा एक दिन ऐसा दिन आए जिस दिन मैं आपका इंटरव्यू लूं। सो रीच ऑन दिस नंबर, आई एम वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू। अब हम आयास से मुलाकात करेंगे, उनकी बेहतरीन जर्नी को समझेंगे। जय हिंद आयास भाई। भाई जो तुम कर पाए हो ना पहले अटेम्प्ट में, लोग उसे 7वें 8वें 9वें 10वें अटेम्प्ट तक का सपना बना के बैठे होते हैं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट यू टू आंसर राइट नाउ दिस क्वेश्चन कि आपने कैसे किया, आई वॉन्ट टू नो कि आप तीसरे अटेम्प्ट रिटर्न निकाल रहे हो, हाउ डज, मतलब ये क्या हो रहा था, आपके साथ क्या दिक्कत आई थी, ऐसी थर्ड अटेम्प्ट तक हो गया तब आपका जाके एफ कैट निकला? नहीं, मेरा ऐसा मूड ही नहीं था, मतलब कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. पहले मैं बहुत ज्यादा लाइटली लिया एग्जाम को, मतलब कि अच्छा ठीक है एग्जाम, कल एग्जाम है तो एक दिन पहले मैं जाके एडमिट कार्ड निकलवा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अच्छा देख लेता हूँ एक एक चीज क्या है क्या नहीं, ऐसे एक आदमी देख ली करंट अफेयर की, मैंने चलो हो गया. बट सीम्स आई लाइक वेन यू गेट सीरियस यू गेट डैम सीरियस अबाउट इट, लाइक इवन यू क्वालिफाई द एसएसबी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, इवन द नॉलेज की जो रिपीटर्स को भी नहीं होती, यू पुट आउट दोस थिंग्स जो मेरे लिए मतलब आश्चर्य की बात थी। मैंने एक फ्रेशर को कैसे बताया, यू मेक श्योर ऑफ वन थिंग की जो रूल्स बोले जा रहे हैं उनपे बहुत ज्यादा ध्यान हो, ऐसा क्यों? ये तो फ्रेशर कभी नोटिस भी नहीं कर पाता। जैसा ये लगा कि जो रूल्स बोल रहे हैं वो चाहे किस लिए बोल रहे हैं, कोई भी रीजन है, मुझे मुझे मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करने आया है कि भाई क्या कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, मुझे ये था कि जो बोल रहे हैं वो सुनना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बस खत्म. ठीक है, बट यहाँ पर जरा और बातें लें, आप कुछ ऐसी बातों की क्लियरिटी लेके बैठे हो जो मेरे हिसाब से रिपीटर्स को भी नहीं होती। लेट्स टॉक अबाउट द जीटीओ पार्ट, ठीक है। अब जीटीओ में जब था आपका, यू आर एबल टू गो विद द ग्रुप, ठीक है ना, इवन द यू गेट स्कोल्डेड यू टेक इट लाइटली, आई कम टू नो दैट यू हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, मतलब हाउ यू ऑलवेज टेक दोस थिंग लाइटली, क्यों वो एकदम दिल पे नहीं हॉन्टने लगता, हार्ट बीट तेज नहीं लगती कि यार सब गड़बड़ हो गया अब तो यार एसएससी क्वालिफाई भी नहीं होगा, ऐसे दिमाग में आपके ही चलता क्या, ऐसा लग रहा है? मेरे साथ मोस्टली जो ये चीजें होती है ना, ये चीजें होती है एग्जाम से एक दिन पहले, व्हेन हाँ आई एम इनटू इट ना, तो मुझे ऐसा लगता है अब जो हो गया वो तो हो गया ना, आई कैन नॉट जस्ट चेंज इट, आई कैन फोकस ऑन के जो आगे है. तो वही चीज है कि एग्जाम से एक दिन पहले तो रहता है डर, बहुत ज्यादा रहता है, नर्वसनेस रहती है, लेकिन जब एग्जाम एक बार स्टार्ट होता है ना, तो मेरे साथ क्या होता है कि मैंने कहा जब हो गया वो हो गया, उसको आई कैन नॉट चेंज इट, आई कैन चेंज वट इज लाइक अहेड ऑफ मी, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ. मैंने कहा उस पर फोकस करना ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है जो जैसा भी रहा.
That's a very great clarity you have. But you are a kind of person जिसने मैथ्स बहुत सालों से यूज नहीं, मतलब समझ में नहीं आई है, ठीक है? एंड वो मास्टर भी कर रहा है, उसके कुछ ना कुछ चल भी रहा होगा कि यार मेरे को ये करना है, बी प्लान भी सब कुछ चल रहा होगा. सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू गेट थ्रू दैट एफ कैट प्लस एस एस बी? कभी दिमाग में आपको लगा कि, मतलब मैं सॉरी मैं टोक रहा हूँ, कभी आपको लगा कि यार जो 6-7 बार में नहीं कर पा रहे हैं लोग, ठीक है, वो आप पहली बार में कैसे कर पा रहे हो? कभी आपके दिमाग में आया? अभी आप क्लियर हो गया? आप सोचा आपने बैठ के? मैं इस बारे में सोचा, मतलब इस बारे में मैंने सोचा क्योंकि वहां ना एक बहुत अच्छी चीज थी कि वहां पे मैं एक से मिला था, तो जो थे मतलब उन्होंने 10-12 अटेम्प्ट दे दिए थे, तो मैं उनसे बैठा यही बात कर रहा था कि कोई टिप्स है आपके पास मेरे लिए। तो ही वाज लाइक कि वो पहले बताना शुरू कर रहा, भाई मेरे पास स्टेप होती तो वही ना क्लियर करता था, मैं 12 अटेम्प्ट में क्यों बैठा हूँ यहाँ सही पे। बात कहते है. कहते कि अगर तू इस बार क्लियर कर जाएगा तो तेरी वर्ड्स की ज्यादा वैल्यू है, तो ये चीज भी एक तो काफी रही। फिर उससे बाकी मैंने सोचा ना कि मतलब वो बंदा 12 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, और ऐसे नहीं कि मतलब जब आप वहां सबसे बात करते हो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो बेकार है, इसका तो होना ही हो गई नहीं, मतलब आप किसी को नहीं कह सकते, यू नेवर नो कि वो कौन निकाल देता है कौन नहीं निकाल पाता। तो मे बी व्हाट आई फेल्ट इज कि जो भी मैं कर रहा था, जो भी मेरे एक्शन थे, जो भी मैं बोल रहा था, तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं वहां पे कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहा था कि नहीं मैं बोल ये दूंगा, मैं करूंगा ये, जहां मेरी गलती थी, जहां मुझे लगता था मेरे में कुछ इश्यूज है। उन्होंने जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है आप में क्या इश्यूज है, सामने वाला एकदम एक्सेप्ट ही नहीं करते मोस्टली। अगर आप नॉर्मली भी किसी से बात करो, नॉट अबाउट इंटरव्यू, कि आप किससे कहो कि तुम्हारे में क्या इशू है, कहते नहीं भाई मेरे में तो कोई इशू नहीं है। तो मेरे में तो है, वो क्या है, ठीक अब है, बट इन जी योर करें। प्रोसेस आई कम टू नो, जो फर्स्ट टाइम में भी नहीं समझ पाते कि आपने अपनी गलतियों को या अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करा दोबारा, ठीक है? अब मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं जरा एफकैट के बारे में बात कर लेता हूँ. एफकैट एक ऐसा पेपर जो आपके लिए शायद बिल्कुल ही नया पेपर है, और उसमें भी ऐसी चीजें आ रही हैं जो शायद जो कॉमर्स वाला है, जो मतलब मास कम्युनिकेशन वाला है, उसको शायद इतनी काम नहीं आती, जैसे रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद मैथ्स, ठीक, ये चीज आपके काम नहीं आ रही. यस ना, इंग्लिश एंड यू नो जीएस पार्ट, नहीं जीएस भी नहीं है आपका, तो पूरा का पूरा जीएस खाली है. वो तो गनीमत है, आप ट्यूशन देते रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डेवलप हो गया होगा, ठीक है, साइंस आपकी पक्की हो गई. बट व्हाट इज योर स्ट्रेटजी दैट पीरियड ऑफ टाइम, कि जब आपने पेपर देखा यार इसकी मैं क्या स्ट्रेटजी बना के आपने काम करना शुरू किया इसका? इसका सबसे पहले मैंने ब्रेक डाउन करा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से ज्यादा आ रहे हैं, मैंने उसको इंपॉर्टेंस देने शुरू करी। मैंने कहा अच्छा 18 मैथ्स आएंगे तो ये तो प्योर 18 है कि इसमें मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या आएगा, डिफाइंड है। इसमें ये नहीं पूछ रहे कि तुम इस राजा के बेटे का नाम क्या था, मुझे नहीं पता, तो वो तो डिफाइंड है। प्लस आई एम गुड विद रीजनिंग, आई एम गुड एट रीजनिंग, तो मैंने 32, मैंने कहा था ये 50 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। मैंने कहा बाकी बचे हुए इंग्लिश, इंग्लिश इज लाइक ठीक है, मेरी बिलो एवरेज नहीं है, अबव एवरेज है, ठीक है। मैंने कहा इसमें भी स्कोर कराया जा सकता है, तो मैंने ज्यादा ध्यान इन तीन चीजों पे दिया है इसके लिए, एफकेट के लिए पर्टिकुलरली। मैंने कहा जीएस, जीएस में मुझे थोड़ी बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बेसिक्स आती थी, बेसिक्स आपके हिस्ट्री बेसिक्स आती थी, प्लस करंट अफेयर्स वगैरह, तो मैंने कहा इन पे कम ध्यान दो, क्योंकि ये ऐसे ही तो लाइक ओशन है, यहाँ पे यहाँ से कुछ भी कभी भी आ सकता है, तो मतलब जो डिफाइंड सब्जेक्ट है, डिफाइंड सिलेबस है, वहां ज्यादा मैंने तो सीधे फोकस सीधे करा। बताओ, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा उन चीजों को? पढ़ा था, बिल्कुल कितना पढ़ा था, पढ़ा था ऑनेस्टली बताओ. बहुत कम। जैसे मैंने हिस्ट्री में मैंने बहुत वैसे टॉपिक्स उठा लिए कि जो मुझे पता था कि इसमें से कुछ बनेगा ही बनेगा, दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, प्लस थोड़ा सा आपका मगध एम्पायर, मतलब पूरा एंशियंट छूट गया, पूरा मॉडर्न छूट गया, जो आपको लगा थोड़ा बहुत पास से पेपर देख के आपने वो कर लिया. हाँ कि मतलब जैसे क्या कहते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर देखे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, तो उसमें रियलाइजेशन हो गया कि ये वाला जो पार्ट है कि दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, यहाँ से कुछ ना कुछ बनता है। भाई ये बात मैं आपकी समझ गया, तो आप जीएस बहुत ही कैलकुलेटिव वे में पढ़ रहे हो, ठीक है, बट हाउ यू एंड अप ऑन अन अकेडमी? जो इंसान खुद पढ़ रहा है उसको पता भी होता है कोचिंग की रियलिटीज क्या है, ठीक है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ घपला करती हैं, क्या करती हैं, ठीक है, इतना इतना कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको अन अकेडमी पे? अनअकैडमी पे एक्चुअली क्या हुआ कि एग्जाम से 3-4 महीने पहले वो हाँ वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस डिफेंस का, ओके तो मैं उससे कहता था, मैं मतलब कभी कभी मैंने मतलब जो स्पेशल क्लासेस है वो देखी थी अनअकैडमी की, मैंने यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा था, तो मैं उससे कर रहा था, मैं कहता यार तुझे क्या लगता है ले लो क्या, तो कहता देख ले तेरी मर्जी है। मैंने कहा यार मैं दिल में ना रिग्रेट नहीं रखना चाहता कि सिर्फ के 8,000 रुपए के आसपास सब्सक्रिप्शन है, और मैं दिल में ये रिग्रेट रखूं कि ये देके अच्छा, शायद हो वो जाता, भी साल भर का तो लिया आपने 8,000 का मतलब? मैंने कहा ले लो देखी जाएगी, नहीं होता मतलब 50 जगह पैसे बर्बाद होते, यहाँ भी देखी जाएगी, अगर हो गए तो पैसे बर्बाद, ले लो दिल में कोई रिग्रेट नहीं रखना। अरे रे रे, तो पता नहीं था क्या कूपन वूपन होते हैं 8,000 की चीज तो 6,000 में ही मिल जाती है? उससे हमने पता लगता है, शायद आपको नहीं पता था.
थोड़ा बहुत आइडिया था कि मतलब कि उसका थोड़ा बहुत वो ले लिया, थोड़े बहुत क्रेडिट पड़े थे, एक आधा कूपन बड़ा था वो मिल गया मतलब। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ से चलो फिर 8,000 का ये ले लिया, ठीक है। अब खुद डर तो होता है, हर बच्चे को डर होता है कि यार पता नहीं है 8,000 रुपये वर्थ है कि नहीं, ठीक है, बर्बाद तो नहीं हो गए कहीं, ठीक है। अब ये लेने के बाद यू हैव अ मतलब आपके एजुकेटर सर विशाल सर रहे, संजय सर रहे, आपके क्या नाम है संदीप सर रहे, सिद्धांत सर रहे, सो डू यू लाइक इट? और मतलब क्योंकि अगर आपका देखा शेड्यूल, आप अपने मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपका काफी दिन खत्म हो जाता होगा, कोविड का आपको प्रिविलेज था, बट अच्छा खासा एक दिन का टाइम खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद इतनी थकान होती थी कि आप सो भी जाते थे, ठीक है, तो फिर ये पूरा दिन इस्तेमाल कैसे कर रहे हो आप? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ जो इंसान पूरी अनअकैडमी की वीडियो देख रहा है उसका पूरा दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो रेगुलरली 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं एक एक। तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने ना लाइव क्लासेस नहीं ली है अकेडमी में कभी भी, अच्छा मैंने कभी लाइव नहीं ली। मैंने कहा मैं लाइव में क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है, थोड़ी बहुत क्लास की बात होती है, बच्चे बीच में डिस्टर्ब करते हैं, 50 चीजें होती हैं। हाँ तो मैंने हमेशा रिकॉर्डेड सेशन लिए और मैंने उसको 1.5 की 2 की स्पीड पे लगा के ऐसे फटफट बोल खत्म किया नहीं, 1 घंटे मतलब अब की। जहाँ मुझे जहाँ चीजें क्लियर हो रही थी वहां तो, क्योंकि अब जैसे हम पढ़ाते हैं किसी को, या मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ बहुत इजिली नॉर्मली बहुत कम पेस में बात करूँ, जब क्योंकि हम जब वो नहीं, जब आप डबल की स्पीड पे लगा के देखते हो ना 1.5 की या डबल की, तो नॉर्मल स्पीड पे आता है फिर वहां पे ये इतने हरामी अभी इसे 1.5 की स्पीड पे देख रहे होंगे। ओके दैट्स ग्रेट। अभी ये बताओ यार, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, सो ने आई मेट सम पीपल जिन्होंने अनअकैडमी पे हाईली रिलायबल हुए और किसी किताब को टच ही नहीं किया, ठीक है, व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? डू यू टच सम बुक्स और डू टेक अ रेफरेंस और व्हाट व्हाट वाज इट? क्योंकि साइंस तो आपने खुद से पढ़ी है पूरी, व्हाट इज कॉल ऑन इंग्लिश, व्हाट इज कॉल ऑन मैथ्स, व्हाट कॉल ऑन ज्योग्राफी, ये था क्या? इंग्लिश का तो मैं आपको बताऊं, जब मैं सिद्धांत सर की क्लासेस ले रहा था ना, इन एवरी क्लास आई वाज लाइक ऐसा भी कुछ होता है इंग्लिश तो फिर मुझे ये हुआ कि स्टार्टिंग में टीचर से एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लगा, दोस्तों से पूछा, खुद एक्सप्लोर करे, लेकिन जब लाइक एक बार मैंने टीचर डिसाइड कर लिए कि किससे क्या पढ़ना है, मतलब वो फिर आपको ना यू हैव टू ट्रस्ट योर मेंटर। अगर मैं अपने टीचर को ट्रस्ट नहीं कर सकता तो लाइक फिर वो वेस्ट है मेरे वहां जाना, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा डाउट रहेगा, मैं 50 जगह इधर उधर घूमूंगा। तो टाइम पे मैंने हैंड्स डाउन लाइक आई वाज ट्रस्टिंग माय मेंटर्स, एंड मैंने कहा इन्होंने कहा पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, इन्होंने कहा कि दूसरी किताब नहीं पढ़नी, मैंने कहा ठीक है नहीं पढ़ना दूसरी। ओके सो यू मीन यू हार्ड कोरली रिलाय ऑन दैट अनअकैडमी टीचर्स, राइट? सो मतलब सिद्धांत सर के 50 पन्नों का जो नोट्स है वो मुझे यकीन नहीं होता सिद्धांत सर पूरी किताब कितनी मतलब इतनी मतलब कम साइज में कैसे कर देते हैं। मेरे पास अभी किताब है, आई कैन नॉट शो यू द नेम ऑफ इट, बट इतनी मोटी है भाई, इसकी आधे नोट्स होते हैं इसके बस एग्जाम जब सिद्धांत सर पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई हद है यार, और उससे बाहर नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। बट यहाँ पर यार ये पंगा था, मैथ्स कहीं ना कहीं तुम्हारे बेसिक क्लियर थे रिगार्डिंग मैथ्स, ठीक है, बट यार मैथ्स तुम्हारा था प्रॉब्लम यार, तुमने कई सालों से नहीं किया, तुमने 12th के बाद मैथ्स इसलिए छोड़ी बिकॉज इट्स नॉट अ कप ऑफ माई टी, इट्स नॉट कप ऑफ माई टी, सॉरी। अब यहाँ पर ये कर कैसे, मतलब मैथ्स जिसके अंदर डर है भाई, जिसके अंदर डर है, ठीक है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता, और फिर ऊपर से कंपटीशन क्लियर करने के लिए करना है तो वो तो है। तो अभी क्या योर यंगर ब्रदर, व्हाट इट इज, हाउ डू यू वर्क ऑन इट? दो चीजें रही, एक तो मैथ्स के साथ मेरी, एक तो 9th 10th की क्लासेस मैंने लिए, मतलब 12th के बाद मेरा 12th थोड़ा सा वीक था, मतलब हाँ मैंने 12th में ऐसा भी हुआ है कि मैं मतलब बच्चों के साथ बैठ के डाउट्स क्लियर करा रहा हूँ, पता नहीं व्हाट हैपेंड इन एग्जाम, तो अलग कुछ अलग ही सीन हुआ था। तो लेकिन मेरे बेसिक्स क्लियर थे, तो मैंने 9th 10th की ट्यूशन लिए मैथमेटिक्स के, तो वहां मेरा टच रहा हाँ थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद जो मेरा छोटा भाई है उसकी अभी 12th हुई है, हाँ एंड ही इज वेरी गुड एट मैथ्स, व्हेन आई एम सेइंग गुड तो लाइक आई लिटरली मीन गुड, तो ही इज वेरी गुड एट मैथ्स। तो मैं ओके उसको साथ लेके बैठ जाता था, मैं उसको मैं कहता था भाई पढ़ा, वो अगर उसके वो अपना ही पढ़ा होता ना कई बार, तो फिर मैं यहाँ ऐसे ऐसे उसको एक्सप्लोइट करता था, मैंने कहा बड़ा भाई नहीं होना मैं बताऊंगा ना क्या तो दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग। अब यहां से मैथ्स तुम अपनी आगे शुरू कर रहे हो, बट जो इंसान मैथ्स में होगा ना पहले वो इजी इजी टॉपिक पढ़ता होगा, संदीप सर यू इज टीचिंग यू, ठीक है, खुद तो अपने भाई से भी उंगली करके बात कर रहे हो, सो व्हाट द टॉपिक यू पिक और व्हाट द संदीप सर हैज सेड, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी ऊपर देगा? एफकेट के लिए मुझे ये था कि एफकेट का थोड़ा बहुत इजी रहेगा मैथ, मतलब कंपैरेटिव टू सीडीएस। हाँ यू तो आर ट्रू राइट, व्हाट आई डिड, मैंने संदीप सर का ना बेसिक क्लास से उठाना शुरू करा, मैंने यूनिटरी मेथड से उठाया उनका, मैंने अच्छा तो लाइक
मैंने यही करा, मैंने क्या पता मुझे सामने वाला ऐसा कुछ बता दे जो मेरे और ज्यादा काम में आ जाए, हाँ यू ठीक है, नेवर नो। हाँ तो वही अपना डबल की स्पीड वाला फॉर्मूला से हो गया कि जहां पे मुझे लगता था ये चीजें क्लियर है आगे चलो। फिर उसमें मैंने क्या करा, उसमें ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सर जो करा रहे थे वो क्वेश्चन, यहाँ पे ना एक चीज मैंने क्या करी, अगर मैंने क्लास अगर डबल पे देख रहा हूँ तो मैं क्वेश्चंस भी डबल की स्पीड पे करा था। लाइक अगर लोगों को 1 मिनट का टाइम मिल रहा था, मैं 30 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन कम्प्लीट करने की कोशिश करता ठीक है, था सारा वैसे। बट दैट्स हाउ यू आर वर्किंग। बट यार कुछ टॉपिक हॉन्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक इज वन ऑफ द हॉन्टिंग टॉपिक ऑफ योर्स, ठीक है ना? हाँ सो व्हाट यू डिड ओवर देयर, और यू डिड ऑल द टॉपिक्स या कुछ टॉपिक ऐसे छोड़ दिए? ये एम था कि नहीं, 18 से मैं 18 क्वेश्चन करके आने हैं? मैथमेटिक्स में मैंने यही करा था कि मैंने कहा बेसिक तो सबका क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा टॉपिक ऐसा कोई नहीं छोड़ना कि मान लो अगर मेरे पास टाइम मिलता है एग्जाम में तो मैं ये ना कहूँ कि यार ये कर सकता था। अच्छा टॉपिक कोई सा नहीं छोड़ना, लेकिन परफेक्ट मुझे वही करे मैंने कि जिसके बारे में मैं 100% कॉन्फिडेंट था। ओके मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा थोड़ा रह जाता था, अब मैंने कहा कि जितना हो सकता है उसको इतना क्लियर करो, अगर ज्यादा रह जा रहा है या कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ ही नहीं आ रही, मैंने कहा क्यों उसमें अपना दिमाग खराब करके मैं बाकी 18 क्वेश्चन भी खराब करूँ अपना। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर थोड़ा ना अकाउंट लेते हैं कि ये बंदा जो हमारे सामने है वो नॉन मैथ्स वाला है, वो कितने क्वेश्चन करके आ रहा है? ठीक है, सो मैथ्स में आते हैं 18 क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग में आते हैं 32, इंग्लिश में आते हैं 25, और जीएस में भी आते हैं 25, 25 आते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि आपका फॉर्मूला क्या था कि भाई मैं किस में कितने कितने करके आया एग्जैक्टली? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है मैथ्स में मैंने ऑलमोस्ट 15 तो करे थे। अच्छा ओके, मैथ्स में 15 करे थे, रीजनिंग के भी मैंने ऑलमोस्ट 27 के अराउंड करे थे, ओके और इंग्लिश के भी अच्छे खासे करे थे। अब मैं मतलब कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि तुम्हारे आंसर्स के साथ मैच नहीं कर। नहीं दैट्स ट्रू। एक्चुअली आई वांट टू नो कि यार एक बंदे को कहीं ना कहीं हॉन्ट तो लगा ही होगा, जो नॉन मैथ्स का होता है उसको हॉन्ट लगता है यार थोड़ा सा, ये तो मेरा करा हुआ है नहीं। एंड जो मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं वो तो मेरे को जहां तक पता है वो काम भी नहीं आते हैं इन एग्जाम को क्लियर करने में, इज इट सो नॉट? नहीं, रिटर्न में तो आप बेनिफिट ले सकते हो उन चीजों से कि ओके रिटर्न ना कहीं अगर रिटर्न पेपर होता तो अपनी नॉलेज थोड़ी सी इधर से डाल दी थोड़ी सी इधर डाल दी, लेकिन हाँ इसमें नहीं ले सकते। तो इसमें था, इसमें मुझे मुझे डर था, बिल्कुल था, मुझे ऐसा था कि यार क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि 2 बार मैं इसको मतलब क्लियर नहीं कर पाया था रिटर्न में, हाँ अच्छा तो होता डर क्या है ना कि था। मान लो चाहे तुमने लापरवाही से नहीं निकला हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी कारण हो, ठीक है, बट ना दिमाग में हॉन्ट बैठ जाता है भाई वो निकला नहीं एग्जाम, ठीक है, अब तो अंकल लग सकते अरे बेटा और ऊपर से सीडीएस है मुश्किल, तो सीडीएस गया तो गया हाथ से, अब करेंगे क्या? पर ये बता, अब मैं वापस लेकर आता हूँ एसएसबी जर्नी पे, ठीक है, यू नेवर डिड यू एवर थॉट कि ये पहले अटेम्प्ट में ही हो जाएगा? डिड यू नो कि लोग 7वें 8वें 9वें अटेम्प्ट में जाके निकालते हैं? मैं कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे, मेरा गोल ये था नहीं कि मुझे सीडीएस मतलब कि एसएसबी ही क्लियर करना है, मुझे सर रिकमेंडेशन दे दो और कुछ नहीं है। मेरा अच्छा था कि मैंने लेके चला उसको पार्ट बाय पार्ट। मैंने कहा ओके पहले स्क्रीनिंग, मैंने कहा पहले स्क्रीनिंग तो देख लें, बाकी तो बाद की बात है कि कौन पहले अंदर तो जाए, तो पार्ट बाय पार्ट ऐसे। मैंने कहा स्टेप पार्ट, बाय स्टेप अच्छा चलते स्टेप बाय हैं। स्टेप। सो अब यहां पर मुझे बहुत बड़ा एक डाउट आ रहा है कि यार यू हैव टॉक अबाउट द एफकेट, बट व्हाट अबाउट द एसएसबी? द वेन्यू एसएसबी इज कमिंग, द कोविड-19 हैज स्टार्टेड, ठीक है ना? अभी एसएसबी के लिए ना तो तुम ऑफलाइन कोचिंग जा नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे मन में ख्वाब भी होगा तो भी नहीं जा सकते, यू एंड अप विद अन एकेडमिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द 1 ईयर, ठीक है? अभी क्या यू एंड अप विद द संजय सर, ठीक है? अब यहां पर क्या तुम्हें स्क्रीनिंग, तुमने सुना होगा ना कि ये स्क्रीनिंग में बहुत बच्चे आउट होते हैं, मतलब एक्साइटमेंट जो होती है रिटन क्वालिफाई करने की बहुत ज्यादा होती है, पर उसमें जो पहला हॉन्ट आता है वो स्क्रीनिंग का ही आता है कि भाई स्क्रीनिंग में बहुत लोग आउट होते हैं, देन सेकेंड हॉन्ट कम दैट इज ऑफ रिगार्डिंग द स्टेज टू, कि भाई स्टेज टू में क्या होगा कि स्टेज टू में बहुत ज्यादा है, तो हाउ यू ब्रेक योर प्रिपरेशन कि भाई स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है या स्टेज टू की करनी है, हाउ डिड यू ब्रेक योर प्रिपरेशन? मेरा पहला था कि आई एम गुड एट स्टोरी राइटिंग, अच्छा लाइक वेरी गुड एट इट। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं मास्टर्स के लिए एग्जाम दे रहा था रिटन एग्जाम, तो जितने भी रिटन एग्जाम्स हैं आई हैव क्लियर्ड इट ऑल। आई हैव ओके क्लियर्ड जामिया एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड जेवियर्स रिटन एग्जाम्स, सो आई एम गुड एट स्टोरी राइटिंग। व्हेन इट कम्स टू स्टोरी राइटिंग आई लाइक इट, लाइक मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी इसमें रहती है पिक्चर्स वगैरह में, एंड प्लस व्हाट आई लाइक टू बिलीव इज आई राइट वेल, नॉट वेरी गुड बट आई राइट। ठीक है तो क्या कहते हैं, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ से भी मिला, जो जितने भी मास्टर्स के रिटन एग्जाम्स हैं आई हैव क्लियर्ड लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम।
बट यार क्लियर यहाँ चला पर अब गया। होल्ड कर दूं तुम्हें, तुम मास्टर्स के एग्जाम निकाल दो, दुनिया भर के एग्जाम निकाल दो, बट टेट अलग चीज है यार। वहां पर तुम्हें थोड़ा ना कोई ज्ञान लिखना है, वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन चीजों को, वो पेपर उससे अलग है। स्टोरी राइटिंग इज वेरी डिफरेंट। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप एमए मास कम्युनिकेशन जामिया का एग्जाम देखोगे ना, हाँ तो इट इज लाइक वो उसका एक क्वेश्चन था, मुझे वेगली याद है कि एट नाइट व्हेन आई वेक अप एंड आई रिमेम्बर माय ड्रीम, फिर यहाँ से स्टोरी लिखनी थी। तो अच्छा, जामिया के मोस्ट ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं प्लस। ओके, सो यू गेट अ स्लाइट तो एडवांटेज ओवर देयर, बट यू ज्वाइन एसएसबी सागा ऑफ यू नो संजय सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो व्हाट यू गेट ओवर देयर? इट वॉज वेरी गुड, लाइक इट वॉज वेरी गुड कोर्स। पहले तो मुझे एक इनसाइट मिली उससे कि एस एस बी में है क्या, लाइक अच्छा वही वाली चीज, इफ यू डोंट नो योर एनिमी डज नॉट मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर नॉट गोइंग टू डिफीट इट। ठीक तो है, मुझे वहां से इनसाइट मिली कि वट इज एस एस बी, अंदर है कैसा है, कैसे एग्जाम्स होंगे, मतलब किस चीज पे असेसमेंट होगा आपका। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट एस एस बी सागा इज के सर वॉज नॉट टेलिंग अस वट टू डू, सर वॉज टेलिंग अस दैट व्हाट विल बी द सिचुएशन यू विल बी फेसिंग एंड तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ठीक उसमें। है, फिर वहां पे काफी हेल्प मिली मुझे, क्योंकि मैं उठा के, मैं जैसे सर पीआईक्यू डिस्कस करते थे, मैं पीआईक्यू ऐसे उठा के तो मैं देखना शुरू कर देता। यहाँ चीज सबसे पहले जो सबसे ज्यादा करी, जैसे जो पीआईक्यू ना बच्चे मैंने देखा था और कमेंट में करते थे, सब बेस्ट पीआईक्यू किसका है वो दिखा दो, सब बेस्ट पीआईक्यू। मैं कहा मुझे देखना ही नहीं बेस्ट किसका है, मुझे देखना ही, मुझे दिखाओ बेकार कौन सा है, कैसा नहीं करना है वहां पर मुझे। तो लाइक मैंने उठाया सबसे ज्यादा, मैंने वैसे पीआईक्यूज उठाए जो सर जिसको बताते कि ये पीआईक्यू अच्छा नहीं, मैंने कहा हाँ ये देखो, इसमें से देखो क्या क्या ये पॉइंट है यार जो पर नहीं तुम्हारे करना ये है। होता फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ऐसा लगता है, देख के ऐसा लगता है कि यार उसका हर दाव सही बैठ गया और वो पहली बार में निकाल गया। हमें तो ऐसे ही लग रहा है ना दूर से देखने में कि यार इसका हर दाव सही बैठ रहा और सही सही निकल गया। और इंसान कई बार थोड़ी फैंटेसी में आ जाता है कि मान लो, अब मान लो रिकमेंडेड कैंडिडेट हो तो आपके पास तो और कॉल आते हैं कि भाई कैसे निकाला कैसे निकाला कैसे निकाला, राइट? अब ये काफी ऐसे कहानी में एक एक चीज तोड़नी है मेरे को। आई वॉन्ट इवन अ सिंगल हाँ ब्रेक। अ मैन हु नेवर सीन स्क्रीनिंग इन हिज होल लाइफ, हाउ सो कॉन्फिडेंट कि ये स्क्रीनिंग निकाल देगा? यह कॉन्फिडेंस था ही नहीं यहां पर। कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था अपने को लेकर, क्योंकि आई न्यू कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई न्यू माय स्ट्रेंथ। मुझे पता है मैं डिस्कशन होगा तो मैं वो पॉइंट पुट कर सकता हूँ जो सामने वाला नहीं कर रहा, या क्योंकि मुझे ऐसा लगता था। और स्क्रीनिंग में मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि नहीं, मैं मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझे अपने में भरोसा नहीं था, मैं बहुत था भरोसा, मुझे बहुत था। बट ये है कि दाव नहीं कह सकते कि दाव फिट हो गया। इट वाज लाइक स्क्रीनिंग में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा लगी, जहां पे मुझे लगा कि ये मुझे एडवांटेज मिला। लोग क्या होते हैं, लोग ना स्क्रीनिंग में जाते हैं कि भाई सामने वाले को खा जाएंगे, फिर वो है डिस्कशन, और ये नहीं है कि रैप बैटल नहीं है वहां पर कि बस सामने को खा जाना है, डिस्कशन है, डिस्कस करना है। प्लस तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे स्क्रीनिंग में ये लगा कि कहाँ बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कहाँ आपको चुप रहना है। तो दो चार चीजें ऐसी थी। अच्छा चुप रहना, ठीक है। यहाँ पर मैं, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में एक पॉपअप आ रहा है, बट मैं यहाँ पर लूंगा कि व्हाट वाज योर माइंडसेट फॉर द स्क्रीनिंग? व्हाट वाज इन योर माइंडसेट कि मुझे ओआर अच्छा नहीं करना, या ओआर मतलब सारे टेस्ट में अच्छा करना है, सिर्फ नरेशन में अच्छा करना है? देयर आर द पीपल हु सेड कि नरेशन ही यहाँ पर काउंट होता है एंड दे गॉट स्क्रीन इन आल्सो, सो व्हाट्स योर इन अकाउंट, व्हाट इज द माइंडसेट इन योर हेड? मैं जैसे आपको बताया, मैं एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा था। जब मैं OIR कर रहा था तब मेरा ये था कि OIR जैसा है OIR निकालना है, वो बाद की बात है। OIR हो गया, फिर उसके बाद वो जब हमें मतलब स्टोरी लिखनी थी, तो तब मेरा सारा फोकस, कंप्लीट फोकस मेरा स्टोरी पे था, मेरा नरेशन पे था ही नहीं उस टाइम पे। मेरा कंप्लीट फोकस स्टोरी पे था, फिर वो स्टोरी लिखने के बाद फिर लाइक व्हेन इट कम्स टू लाइक नरेशन, तब मेरा फोकस सारा नरेशन पे था। लास्ट पार्ट जीडी, लास्ट पार्ट तुम्हारा जीडी पे फोकस था। बट यार तुमने कहानियां सुनी नहीं थी क्या? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। तुमने सुना है कि यार नरेशन देकर, नरेशन से अंदर स्क्रीन हो जाता है यार, वो यार तो चेक ही नहीं होती है, कोई पे फोटो तुम्हारे चेक ही नहीं करता है, जीडी में तो बसड़ हो जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं, ये तुमने कभी सुना नहीं था क्या? सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर वो यार चेक ही नहीं करते तो मतलब पर्पस क्या है इस चीज का। अब मैंने कहा नहीं भी करते मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे से पूछ रहे ना, तो मैं अपना टेस्ट में अपना बेस्ट दूंगा, तुम चेक करो मत करो। अच्छा, बट वो जीडी का फिश मार्केट, उसका तो हॉन्टिंग होगा कम से कम। जीडी का फिश मार्केट का था, मैं जब हमारा जीडी का था ना, तो उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर से डर था। मैंने कहा अभी आएंगे, अब हम यहाँ से हलवा पूरी खाएंगे और घर जाएंगे हो गया, ऐसे हो सकता है, अब घर जाना है, घर पे कॉल कर लेता हूँ कि शाम को खाना बना लेता, शाम तक पहुंच जाओ दिल्ली। तो ओके, एंड मतलब
हाँ ये थोड़ा अच्छा सा अब ये बताओ, अब देखो होता क्या है ना, इंसान के दिमाग में ना जो कहीं इसने कुछ सुना होता है या उसने कुछ टीचिंग ली होती है वो आ रही होती है सामने, ठीक है। तुमने सुना होगा फिश मार्केट होगी, तुम्हारे दिमाग में ऑटो, जब तुम्हारे फर्स्ट वाला जो टाइम था उसमें फिश मार्केट हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अब तुमने वहां पर तुमने देखा अबे फिश मार्केट हो गई, नाउ व्हाट इज द प्री कंसीव थॉट इन योर हेड व्हाट केम, या कुछ फ्रेश थॉट थी तुम्हारे दिमाग में? तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि अगर फिश मार्केट हो भी जाती है, मैंने हाँ कहा अगर मैं, मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज थी, मैं तभी बोलूंगा अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। मैंने कहा आई जस्ट नॉट ऐड इन टू दिस फिश मार्केट कैटेगरी। मैंने कहा अगर अच्छा मेरे पास कुछ ऐसा है वर्थ स्पीकिंग है तो आई विल स्पीक, अदरवाइज आई विल जस्ट स्टे क्वाइट। ओके। अब ये जो तुम कह रहे हो कि वर्थ स्पीकिंग होगा तभी बोलूंगा, व्हाट डज इट मीन? मतलब फिश मार्केट जब हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली क्या है, लोग आपस में भिड़ गए। मतलब उन लोगों का पॉइंट क्या था कि बस नहीं मेरी स्टोरी ठीक कर दो, मैं ही जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। तो एक चीज वो थी वर्ड स्पीकिंग में, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि बहुत सारा पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किप हो गए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट है जो मतलब बिल्कुल अननोटिस जा रहा है, या कुछ ऐसा है कि सामने वाला कुछ ऐसा बोल रहा है जो मुझे लग रहा है ये क्या बोल रहा है। मतलब हो सकता है उसके, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका मतलब क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या बोल दिया इसने। तो ठीक उन है, चीजों पे ओके। पर कई लोग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो वन टू वन ही बात करने में लग गए, एक बंदा कह रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है, सामने वाला वही रिप्लाई कर रहा है उसका। हमारे वालों ने किसी को मौका ही नहीं दिया ऐसे ऐसे आप तो मैं सब एकदम भिड़ गए। सब भिड़ गए। सो अच्छा एक बात और, हाउ यू मेक योर कॉन्सेंट इन दैट नॉइज, वो जो नॉइज होती है ना बहुत हाई लेवल पे होती है, ठीक है। और कोई हर कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यार ये मौका बोलने का नहीं हुआ तो भाई यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, हलवा पुड़िया खा के वो लंच वाला अपना खत्म हो जाएगा यहाँ पर पहुंच वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप मतलब यू नो आपने कह दिया कि मैंने वर्थ वाली जो चीजें सब वही बोली है, बट हाउ यू गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दैट नॉइज? आपको ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक बार मुझे ऐसा लगता है कि जब नॉइज हो रही है ना और आप कुछ बोल रहे हो जिसमें आप मतलब आप दो चार बार बोलने का ट्राई करो आपको, और फिर सामने वाले को भी सुनते हैं क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं सुन रहा है। मतलब नॉर्मल डिस्कशन में भी कभी होता होगा जो फ्रेंड्स के बीच में हो जाता है, एंड आई एम श्योर दैट एवरीवन वुड हैव फेस्ड इट कि सारा डिस्कशन अलग ही चल रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसी बात बोलते हो जो लोगों को एकदम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। क्योंकि वही चीज है, क्योंकि वो बात आप क्या बोल रहे हो वो कि अगर बात ठीक है आप यार, मतलब पर दो अगर लोगों के बीच के बोलने के बीच में आपने टाइम निकाल लिया अपना, सोच लो आप खाली में हाँ अकेले नहीं हो, पूरे 20 बंदे बैठे हैं जो चाह रहे हैं कि मैं बोलूं मैं बोलूं मैं बोलूं, ठीक है। आपने उसमें से बीच में अपना पॉइंट निकाल दिया है, कैसे? आर यू ऑन योर टोज, व्हाट इज ओवर देयर, कि मतलब रेडी कि भाई जैसे इंसान खत्म करेगा मैं खट से बोल दूंगा, मतलब क्या चल क्या रहा था दिमाग में? पहले मेरा मेरा ये नहीं था कि जैसे पहले मुझे ये लगता था कि जैसे मतलब सामने वाला बोलेगा ठीक है बात सुन के फिर बोलेंगे, लेकिन ये चीज है वहां पे यार हम वहां पर मौका रखा नहीं ही होती नहीं। है। हाँ यहाँ से इसका टेम्पो गिरना शुरू हुआ, पूरा पहुंचा भी नहीं सामने वाले का उठना शुरू हो गया एकदम। तो मतलब अगर हाँ एक आधा जगह ऐसा आया था कि जो आपको बिल्कुल मोमेंट ऑफ ब्रेक मिला था जिसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मतलब इट वाज लाइक लेस देन अ सेकंड, ऐसा एक आधा पॉइंट आता है तो आप उस टाइम पे कर सकते हो, उस टाइम पे एकदम आप स्टार्ट कर सकते हो। प्लस कई बार क्या होता है, कई बार आपको आवाज उठानी पड़ती है, थोड़ी सी उठानी पड़ती है, मतलब चिल्लाना नहीं है, अपनी आवाज थोड़ी सी रेज करनी पड़ती है कि भाई मेरी तो सुन मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ठीक है तेरा पॉइंट अच्छा है, मैं भी तो कुछ कह ही रहा हूँ ना, तो वाली चीज है। तो वहां पे ना अब मैं, मेरे पास ना कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मतलब मैं इस तरीके से बोलूंगा, क्योंकि जब यू आर इन टू जीडी ना तो आपके जितने प्लान है ना वो सारे पीछे पानी में चले जाते हैं। मैं कैसे अच्छा बोलूंगा कैसे नहीं बोलूंगा, फिर वो हर सेकंड पे इम्प्रोवाइज हो रहा था। अच्छा ऐसे ट्राई करके देख लेता हूँ, वैसे ट्राई करके देख लेता हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा आई लाइक टू कम बैक टू द एफकेट पार्ट, यहां से तो आप स्क्रीन हो जाओगे, पर मैं एफकेट के रिटर्न में मुझे एक बात याद आई यार, एक बात बताओ, मैथ्स का तो मैंने आपका वीकेस्ट पार्ट पूछ लिया, पर रीजनिंग, रीजनिंग का क्या था? व्हाट अबाउट द रीजनिंग पार्ट, हाउ यू टेक केयर ऑफ दैट? रीजनिंग आई एम गुड एट रीजनिंग, लाइक ठीक है रीजनिंग का यार कभी रीजनिंग के इतना साथ ऐसा रहा नहीं। होता है, इफ आई एम यू नो को रिलेट आउट ऑफ इट, कि रीजनिंग इंसान कर लेता है ना और कुछ टाइम के लिए छोड़ दे, फिर भूल जाता है, फिर दोबारा वही करना पड़ता है, एक बार टॉपिक तो फिर। रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है वो डिपेंड करता है कि आप देख कैसे रहो। रीजनिंग इज जस्ट लाइक अ पजल, ठीक है पजल तो 50 कर रहे हो आप दिन में, कि हाँ क्या वो है कि वो पेपर पे अलग तरीके से है, वो थोड़ी अलग तरीके से है। तो रीजनिंग में अब मैं आपको बताऊं, आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगे हैं, हो सकता है कि नहीं कर पाए कोरिलेट, लेकिन कई बार ऐसी चीज होती है ना कि आप घर पे कुछ बैठे हुए कुछ चीजें असेंबल कर रहे हो तो हाँ आपकी रीजनिंग वहां काम आ गया। बिल्कुल ट्रू बात है, पर इसका मतलब आप ट्रिक से ज्यादा लॉजिक पे ध्यान देते थे, इसका मतलब कि मतलब लॉजिक क्या बैठ रहा है,
लॉजिक क्या बैठ ओके रहा है। ओके, पर आपको आपको भी लगा नहीं है कभी मेरा टाइम ज्यादा खा रहा है? पर आपने फिर भी रीजनिंग में सारे क्वेश्चन कर दिए एफ कैट में, सारे नहीं करे मैंने, मतलब कम करे, मुझे बिल्कुल सत्ताईस एग्जैक्टली के याद आसपास। नहीं हाँ है। ऑलमोस्ट, ठीक है ना, रिमेंबर 97। नहीं करूंगा इस टाइम पे, पता चला कल मेरे यार वीडियो बनने का एज एन इंटरव्यू में एक आता, लेकिन 155 मार्क के साथ इतने क्वेश्चन तो बैठ ही नहीं सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, आई एम रियली सॉरी ऑन दैट पार्ट। ठीक है, बट यार यू आर फेयरली कॉन्फिडेंट यार, एक इंसान हर चीज कर पा रहा है। नॉर्मली लोग रीजनिंग का ना आखिर में रखते हैं, एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा आपसे, नॉर्मली रीजनिंग को लोग आखिर में रखते हैं क्योंकि यार उसमें दोबारा भी मेहनत भी करेंगे तो बाद में आके भूल जाएंगे। एंड समवेयर यू आर सेइंग कि रीजनिंग तो मेरी जिंदगी का पार्ट था, सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि यार ये बंदा फिर अपना यू नो परफॉर्मेंस दे कैसे पा रहा है, या तो उसके दिमाग में बेसिकली सेट हो मैंने गया क्या था कुछ। करा, जीएस वाज नॉट वेरी गुड, मेरा अच्छा जीएस बहुत अच्छा नहीं है। जीएस का ओके तो मैंने, मुझे था, मैंने जीएस में उठा के पूछा था, मैंने जीएस उठाई, मैंने कहा मुझे देखो या तो मुझे आता है या नहीं आता, मतलब उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो 25 क्वेश्चन थे वो 20 मिनट में, मुझे जो आते थे मैंने कर लिए, जो नहीं आते थे मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा अभी बाद में सोचेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश पे गया, इंग्लिश पे भी सेम मैंने अप्लाई करा, या तो आता है या नहीं आता। फिर उसके बाद आई वेंट टू लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं, मैं कर लूँ, तो मैंने वो क्वेश्चन ट्राई कर दिए। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत टाइम लगा, उनको भी कर लिया। जो क्वेश्चन ऐसे थे मुझे लगा इसमें टाइम लगेगा, फिर वो मैंने बात कर रख दिया। फिर मैंने ध्यान दिया रीजनिंग, तो उस हिसाब से करा के फिर रीजनिंग में भी मैंने वो जो क्वेश्चन मेरे हो गए थे जल्दी जल्दी, मैंने टाइम बहुत नहीं लगाया किसी पे। ठीक मैं है, मतलब मैं शफल करा था थोड़ी थोड़ी देर में। अब मैंने सारे वो निपटा लिए जो इजी वाले थे, हर हर पार्ट से। अब मुझे लगा कि भाई रीजनिंग में इन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, तो चलो आई वेंट बैक टू मैथमेटिक्स। मैंने कहा ये तो थोड़ा जल्दी हो जाए, तो लाइक आई वाज शफलिंग इधर उधर पहले। ओके यू आर शफलिंग, सो दैट्स हाउ इट इज, वहां पर आपकी कहानी हो गई। बट यार एक बात बताओ, जब रिटर्न इंसान देने जाता है ना और उसका पहले क्वालिफाई नहीं होता है, तो उसको उस रिटर्न एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हुए आपके अपने पहले दो अटेम्प्ट याद आ रहे होते हैं बिल्कुल अभी ये मुझे वो सामने वो बताओ यार, व्हाट व्हाट इज द माइंडसेट इन योर हेड। मैं आई हैव सीन अ पीपल, मैंने एक ऐसे लड़के का इंटरव्यू लिया था जिसने पहली बार तो सीडीएस निकाल दिया 160 नंबर के साथ, दूसरी बार में जब निकाला तो बेचारे को ओटीए तक नहीं निकला। रीजन वाज वो घबरा गया था, उसमें पहले का प्रेशर इतना आ गया था कि पहले 160 नंबर ले आया हूं मैं 30 30 दिन पढ़ाई करके, अब होगा कि नहीं होगा। वो बेचारा इतना घबरा गया क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहे, बाद में देखता है कि क्वेश्चन तो मैंने करे हुए हैं। सो व्हाट इज योर हेड, हाउ यू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव? तो उसमें बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने पहले पेपर में जाने से पहले एनालिसिस कर दिया था कि भाई दो जगह गलती क्या हुई पिछली बार मेरी, क्योंकि दो बार मैंने अगर पढ़ा भी नहीं था ना, तो मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा क्लोज थे। लाइक 10-12 नंबर का डिफरेंस रहता था, 5-6 नंबर का डिफरेंस रहता था। तो मुझे इससे ये एहसास हो गया कि भाई मेरे बेसिक्स तो क्लियर है, क्योंकि अगर मैं बिना पढ़े भी जा रहा हूँ तो मतलब थोड़ा बहुत मैं क्लोज जा पा रहा हूँ उसके। दूसरी चीज, मुझे मैं क्या गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं देते हो, मतलब आप सिर्फ मजे लेने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास क्वेश्चन नहीं करो, 100 करके कराऊंगा ना। दादा लगाया मतलब। तो दो बार तो मैंने ये करा था। फिर थर्ड टाइम में मेरा ये था कि मैंने कहा नेगेटिव नहीं लगना है, मैंने कहा जिसमें श्योर हो वो करो, जिसमें श्योर नहीं हो उसको छोड़ो, आप ही चलो। बट यार नेगेटिव क्यों नहीं करना है? देखो एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिल रहे हैं, गलत होने के 1 नंबर कट रहा है, तो यार फिर भी बहुत सही है। मैंने एक आपको वीडियो भी बनाई थी, पता नहीं व्यूअर्स ने देखी देखी, 4 क्वेश्चन करें आपने, ठीक है, 4 में से अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए 2 क्वेश्चन सही कर दिए, तो भाई 6 नंबर मिल गए और 2 क्वेश्चन गलत होने के 4 नंबर, 4 नंबर बच गए आखिर में, क्या प्रॉब्लम क्या है? लाइफ लाइफ प्रोबेबिलिटी पे नहीं चलती ना। प्रोबेबिलिटी पढ़ने में बहुत अच्छा गया सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ने में। के 4 में से 2 लगाओगे तो 2 तो आ ही जाएंगे, तो कई बार 4 के 4 गलत हो गए तो क्या करोगे। तो तो पहले तो इसलिए पहले के तो हाँ तीन तीन तो मिले ही नहीं, ऊपर से 4 और गलत हो गए, 4 नंबर और चले गए मेरे से। खेल तो हम तब खेल सकते हैं जब हमें, या तो बिल्कुल इतना, अगर हम नेगेटिव के बिना करे भी हम इतने बिलो जा रहे हैं कि हमें पता है कि हम टच करें ना करें स्कोर नहीं कर पाएंगे, हाँ तब तो आप प्रोपेक्ट फेल है पूरे पेपर में। जब आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कर लूंगा, क्यों नेगेटिव करना है फिर। सही बात है, मेरे हार्ड कोर बिलीव है कि एफकेट ना निकलने का सबसे बड़ा रीजन होता है बेमतलब के तुक्के मारना, क्योंकि लोगों को 1 नंबर दिखा बिल्कुल होता जाते हुए हो जाते हैं गलत हाँ, ज्यादा। वो दिखता तो 1 नंबर जाता हुआ जब, लेकिन आप कलेक्टिवली लगाते ना ओ ऐसे तीन। ये तो बम्बारड हो गया गलतियों का, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू, आई एग्री ऑन दैट पार्ट। अभी यहां तक मुझे बात समझ में आई, बट इसके बाद मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, इन दिस एफकैट होल जर्नी, ठीक है, एक वक्त और आता है जब इंसान को घबराहट होती है, जो अपना बीता हुआ कल दिखता है वो दिखता है एग्जाम से 1 महीने पहले का समय, ठीक है, तब उसको और याद आता है कि भाई ये पेपर 2 बार नहीं निकला है, ठीक है, ये तब और मौका आता है। तो व्हाट वाज गोइंग इन द हेड, बिकॉज़ वो वक्त ऐसा होता है, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं 15 दिन तो
अच्छे से, मतलब पहले शुरुआत के 15 दिन क्या हुए, बर्बाद हो गए डर की वजह से, और बाकी 15 दिन डर की वजह से पढ़ लिए थोड़ा. सो व्हाट इज इन योर हेड की यूज दोज लास्ट 1 month? इनके मेरे दिमाग में बहुत आया है, बहुत आया. और मैं ना मोस्टली मेरा अगर लाइक इफ समवन टॉक्स टू माय ब्रदर, मेरे दो छोटे भाई, मैं दोनों को ना बैठा लेता था, मैं ऐसे बैठा लेता था 15 मिनट में, देख जैद ऐसे या नबील दोनों, देख जैद और नबील दोनों के नाम, मैं देख इसमें 100 क्वेश्चन है, तो मुझे ना बेसिकली कट ऑफ इतने तक आ जाती है, तो मैं इसमें से इतने कर लूंगा तो मिनिमम ही हो जाएंगे, तो मैं आधे टाइम पे यही कर रहा था, इतने इतने कर लूंगा, इतने 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 कट ऑफ हो जाएगी, इतने क्लियर हो जाएंगे, मैंने कहा इतने तो मैं कर ही लूंगा, फिर मैं बैठता था, फिर मैं उसको कहता था यार नहीं होंगे यार, सुबह में करूंगा, इतना सुबह मेरा होता था सुबह रोज का, मैं इतने तो मैं कर लो, शाम को होता था मैं नहीं होंगे भाई नहीं होंगे, तो जो छोटा लगा कहता था भाई तू कर तो ले, तो मेरा दिमाग बता तू कर सही है भाई, सही है. दैट्स ग्रेट. यहाँ तक की कहानी हो गई, बट यहाँ से एक कहानी और लेते हैं. मैं आई लाइक टू कम बैक टू द एसएसबी पार्ट. योर चेस नंबर 16, ठीक है. अब आप 16 चेस नंबर, आखिर में इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है. अब प्रोबेबली यू आर टायर्ड ऑफ द होल डे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ. इंसान फिर भी जोश लेके आ जाता है, रेडी रहता है, यू नो, हॉल में घूमने लगता है जो उसकी डॉर्मेटरी वाली होती है, कि भाई मेरा इंटरव्यू आएगा, मेरे को जाना है, ठीक है. लास्ट वाला इंटरव्यू कैंडिडेट वापस रूम में आता है, यू गो. अब वहां पर जाने के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाइल यू आर वेटिंग इन द हॉल, बट द मोमेंट यू एंटर द रूम, यू नो, एक इंसान एक ना अंदर जाने से पहले एक सांस अंदर लेता है, फिर देन वो अंदर जाता है, ठीक है. देन व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन योर, यू नो, होता है कि पहले क्विक स्टार्ट ना थोड़ी ढंग की हो जाए, कोई ऐसी बेवकूफी ना कर दो. सो व्हाट हैपन विद यू दैट पीरियड ऑफ टाइम? मेरे साथ मोस्टली हमेशा यही रहा है, हर एग्जाम में, हर एग्जाम में वो जो गेट तक तो मैं बहुत नर्वस रहता हूँ, बहुत ही ज्यादा, अच्छा. लेकिन एक गेट के अंदर घुस गया बस अब ठीक है, अब हो गया नर्वस. तो फिर ये क्या, ये मुझे समझ नहीं आता यार. यू आर द धोनी ऑफ आर, यू नो, बिटवीन द एसएसबी एस्पिरेंट, हाउ यू ऑलवेज रिमेन इन द कूल, यार ये क्या चक्कर क्या है? आई थिंक मेरे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे बंदा बहुत कूल रहता है, रूल्स उसको फॉलो करने हैं, ठीक है, जो हो गया उसकी परवाह नहीं करता. जैसे मानो मेजर फैक्टर कि यार तेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि ज्यादा तो लोग नहीं समझ पाते मेरे हिसाब से ये बात. तो वही है कि मैं जिस चीज को, जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, जिस चीज को मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, मैं उसके बारे में स्ट्रेस लेके करूं क्या, मतलब मैं क्या ही कर लूंगा मैं, ठीक है मैं थोड़ी देर आधे घंटे स्ट्रेस में बैठ जाऊंगा, रात को बैठ जाऊंगा आधे घंटे स्ट्रेस में, बाद में बैठ उखाड़ ही कर लूंगा मैं इसके बारे में सोच के. सही बात है. अब यहाँ पर बात था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यू, मतलब पर्सन इंटरव्यू ने तुमसे क्या पूछा सबसे पहला सवाल? फर्स्ट तो बहुत इजी इजी थे कि मतलब कि क्या करते हो, कैसे हो, मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे, तो ही वाज मेकिंग मी कंफर्टेबल कि अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कितने भाई हैं, भाई क्या करते हैं, दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर ठीक है. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पीआईक्यू में से उठाने शुरू करे, ठीक है मैंने कहा पूछ लो, तो मुझे पता है मैं सर याद करके थोड़ा है पीआईक्यू जो है मेरी जिंदगी में, सही बट ओवर हियर द योर रैपिड फायर केम और नॉट, रैपिड फायर केम, सो इट केम विद द एजुकेशन, फर्स्ट वाला तो एजुकेशन ही हो गया होगा तुम्हारा, एजुकेशन के. फिर क्या आपके कोई फाइनेंशियल क्रंचेस रहे थे, कोई फाइनेंशियल इश्यूज रहे थे पढ़ाई के टाइम पे? यार देख, रैपिड फायर मैं तेरे को थोड़ा ग्लिम्स देता हूँ, ठीक है ना. अब मुझे एग्जैक्टली बताइए, मैं तुझे पूरी फील दूंगा, उस फील के बाद बताइए तेरा अंदर से तेरे दिमाग में चल क्या रहा था, ठीक है. सो आई आज आई लाइक टू नो अबाउट योर एजुकेशन फ्रॉम क्लास 10 टू करंट एजुकेशन लेवल, आई लाइक टू नो व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स यू लाइक एंड डिसलाइक ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, आई आल्सो लाइक टू नो अबाउट योर टीचर्स यू लाइक एंड डिसलाइक ओवर दैट पीरियड एंड व्हाई यू डिसलाइक इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, आई आल्सो लाइक टू नो अबाउट योर फ्रेंड्स यू मेड इन दैट जर्नी एंड हाउ यू मेक द फ्रेंड्स एंड हु डू यू डिसाइड इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, देन आई आल्सो लाइक टू नो अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड हाउ यू हैंडल इट ऑल. क्या कुछ ऐसा हुआ था भाई? एक्जेक्टली, यू शुड ट्राई फॉर आई. That's good. Thank you so much for that. But what was the heartbeat over there? कि you are listening the first time rapid fire. उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं उस टाइम में रीजनिंग बैठ रहा था, लगा रहा था. मैंने कहा अच्छा इन्होंने 10 से स्टार्ट करा है. मैंने कहा अगर याद भी नहीं रहा तो 10th बोलूंगा, 11th बोलूंगा, 12th बोलूंगा, फिर कॉलेज बोलूंगा. फिर मैंने कहा पहले एजुकेशन हट गया, फिर मैंने कहा फिर मैंने दोस्तों के बारे में पूछा, मैंने कहा ये बोलूंगा, फिर मैंने कहा फिर उसके बाद मेरा ये था कि जितने याद रहा है उतने बोलूंगा, जितने नहीं रहे सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल अनदर क्वेश्चन, बस खत्म हुआ. तो इतना रैपिड फायर तुमने सुन लिया, बट यार आंसर करने के टाइम एक ये बात आती है दिमाग में, यार सबसे सारे जवाब मैंने सही दे दिए क्या, सब पूरे हो गए क्या, कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया, ठीक है. एंड बिटवीन अगर उसका कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो कुछ क्वेश्चन आया था क्या उनकी तरफ से इन द काउंटर क्वेश्चंस? नहीं, काउंटर क्वेश्चंस कुछ नहीं था, उन्होंने रैपिड फायर करा, फिर मैं आई रिमेंबर कि मैं रुक गया था, मैं एकदम मैं सोच रहा था, मैंने कहा और भी कुछ नहीं था, फिर उन्होंने रिपीट कर दिया, आई वाज वेरी स्वीट वेरी नाइस. अच्छा, सो ही इज लाइक
मतलब ऐसा प्रेशराइज नहीं करा मुझे कि नहीं कैसे भूल गए हो या फिर वो मुझे वेट कर रहे हो, उन्होंने खुद ही उन्होंने एहसास हो गया कि अच्छा ये भूल गए, सोच रहा है क्या। मैंने कहा उसमें उन्होंने रिपीट कर लिया कि ये आंसर तुमने नहीं दिया मुझे। That's great, but पहला rapid fire हो चुका, ठीक है? अब बात आ रही है तुम्हारे, अब या तुम journalism से हो, तुमसे बेहतर question पूछूंगे, दबा दबा के question पूछूंगे मेरे हिसाब से। What were the questions? मैं सुना CA NRC के बारे में पूछा था आपसे, फिर farmers law के बारे में पूछ लिया वो period of time में। वो तो मुझको आइडिया था, ये दो चीज मुझे पता था कि कहीं ना कहीं आएगी, बीइंग अ जूनियर स्टूडेंट मुझे मुझे पता था कि ये चीज मुझे फेस करनी है वहां पर। तो एक चीज थी प्लस जर्नलिज्म से रिलेटेड मेरा मोस्टली ये रहा कि मतलब द सेम क्वेश्चन वाज इन कॉन्फ्रेंस, सेम क्वेश्चन वाज इन इंटरव्यू के जो करंट सिनेरियो में है कि कैसा जर्नलिज्म हो रहा है एंड लाइक व्हाट इट शुड बी हाउ इट इज, ये चीज थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ना जो जर्नलिज्म हमारा चल रहा है ना कंट्री में, इधर ये कम्प्लीट लेफ्ट है या ये कम्प्लीट राइट है। एक तो यहाँ पे ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, सेंटर, कोई सेंटर पाथ नहीं है। और जर्नलिज्म शुड बी लाइक कि मेरे पास कोई न्यूज है मैं आप तक कम्युनिकेट कर दूं कि ये मेरे पास न्यूज है मैंने आपको दी, मैं उसमें अपना ओपिनियन, अपना मिर्च मसाला के लो ये ऐसे खाओ तो मजा आएगा। तो ये जर्नलिज्म नहीं है, ये ओपिनियन सुन। हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ जर्नलिज्म चल रहा है पूरा ओपिनियन बेस्ड है, क्योंकि आप अगर आप देखो ना जो अभी मतलब ट्रेंड हो गया है कि ना अब ना जर्नलिज्म तो छोड़ो कोर्ट बन गए सारे, कि कुछ भी चीज होती है ना सबसे पहले जूरी बैठ जाती है कोर्ट रूम पूरा के, ये अब वो फैसला भी देते हैं अभी तक उस बंदे को चाहे उन्होंने उठा के कुछ उस पर सुनवाई भी ना हुई। तो मोस्टली हमारे जर्नलिज्म में ये इश्यूज हैं इस टाइम पे, क्योंकि हमारे कहीं अनबायस जर्नलिज्म नहीं देखने को मिलता, हमारा क्या कहते हैं मोस्टली ओपिनियन है, ओपिनियन फीड कर रहे हैं, तो ये वाली दिक्कतें मुझे हमेशा लगती है। फिर उस चीज पर उन्होंने पूछा था कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम्हारा इस पर तुम्हारा पार्ट क्या है। तो इसपे मेरा पार्ट, तो जो मेरा पार्ट मुझे मैं करता हूँ कि लाइक जो टॉपिक बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले आ जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं उसके उसमें मैं अपनी इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे मैं उनपे अपने वो डाल देता हूँ कि जो फैक्ट्स है नॉट ओपिनियन, जो ओपिनियन है मैं अपने ओपिनियन अपने अलग से कैसे डाल दूंगा, मतलब दीज आर माई ओपिनियन। तो ऐसी वाली चीज ये दिस इज माई लिटिल बिट ऑफ इट। पर दिस इज, अब ये ना एक एथिक्स की बात आई थी, रिमेंबर द पार्ट जिसमें आपके एथिक्स की बात की थी कि एथिक्स को कहां पर मेंटेन रखकर आपके सामने करना है। सो व्हाट वाज दैट पार्ट, वो क्या कहानी थी? इसमें ये था कि उन्होंने पूछा था कि लाइक आपको लगता है कि जर्नलिज्म कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है या मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो एथिकल नहीं है वो प्रैक्टिसेस चल रही है। तो उसमें एक चैट लीक्स हुई थी उस पर्टिकुलर मोमेंट में एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के, तो माय आस्क्ड हर कि सर इफ देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि है। तो उसमें ये था कि क्या कहते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि एथिकल नहीं है सिचुएशन, क्योंकि ना हमें जब पढ़ाते हैं ना तो पढ़ाया भी गया जाता है कि ठीक है ये तो सब देखने सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे देखने सुनने के लिए अच्छा है लेकिन जब कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ सिनेरियो है। तो अब उसमें ये था कि अगर ठीक है एथिकल नहीं भी है तो, लेकिन अगर आप एथिक्स पे चलोगे तो डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन फिर मुश्किल तो सारी जॉब है। इफ इट वुड हैव बीन इजी लाइक एनीवन कुड हैव डन इट। तो ये जो मोस्टली हम YouTube पे देख रहे हैं कि आजकल नए जर्नलिस्ट आ गए हैं कि वो इसलिए तो है क्योंकि ठीक है उनको अपना वहां से वो मिल रहा है, ऑडियंस मिल रहा है, फेम मिल रहा है, तो कुछ भी जो लोग सुनना चाह रहे हैं वो सुना दो उन्हें। तो यही वाली चीज, अच्छा ये चीज थी वो। बट आपसे एक सवाल काउंटर भी तो पूछा था कि एथिक्स को मेंटेन करना मुश्किल काम नहीं है क्या? क्या आप मेंटेन कर पाएंगे और आप कैसे रखते हैं इस बात को? मुश्किल मुश्किल वाली बात नहीं, मुश्किल तो कहीं पे भी कौन कौन सा पार्ट है ऐसा जो कि अगर आप अपने मतलब सही से कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी उसमें क्या कहते हैं आपको कैसे बोला जाए कि एक मिनट कि अगर कोई सी भी जॉब आप करो अगर आप उसमें एथिक्स हर जगह चाहिए और मतलब मुश्किल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छोड़ दें। That's great brother. अच्छा ये सब चल रहा था, so what against? You are saying that your IO is very sweet. I personally feel that IO is not sweet. He's acting sweet. ठीक है, so any situation he is sweet for you. चलो फिर ठीक है आगे जरा लेते हैं जरा।
So, this is the only rapid fire happen in your case, or the many rapid fire happen in your case, like your parents, your life, how you know it does in that. Like a बहुत ही common rapid fire है, maybe आपके साथ हुआ हो. वो rapid fire होता है. So, as I like to know about your family, how many members are there. I also like to know that how you get involved in them. So, if there any problem, whom you go and what kind of activities you got indulge in that. ठीक है, अभी पूरा rapid fire होता है. And I'm sure आपने सुना भी होगा वहाँ पर. प्रेशर को ज्यादा अच्छे से सुनने को मिलता है पहली पहली बार. रिपीटर को तो सुनने की कहानी खत्म सी हो जाती है, उनके लिए तो कुछ और अलग मसाला होता है. सो व्हाट हैपेंड ओवर देयर एंड व्हाट काउंटर क्वेश्चन वाज देयर. उसमें काउंटर क्वेश्चंस तो नहीं रहे, लाइक नॉर्मली था कि फैमिली के साथ किससे ज्यादा बात करते हो और क्या मतलब किससे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। तो अब कंफर्टेबल की बात रही क्योंकि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड लाइक ठीक है, जो भाई है हमारे सारे, तो हमारी जो बीच बॉन्ड है ना बिटवीन की, इट इज लाइक नॉट रिलेटेड टू जस्ट आके ठीक है भाई है तो ये कैसा रहेगा। लाइक वी ऑल आर फ्रेंड्स, लाइक हम खुल के बात करते हैं किसी के बारे में, करनी होती है, हम खुल के मजाक करते हैं, हमारे साथ कोई इशू होता है, लाइक हम खुल के एक दूसरे को बताते हैं कि यार ऐसा है। क्योंकि व्हाट आई फील इज कि अगर आप किसी और के पास बाहर जा रहे हो, यू नेवर नो कि लाइक बंदे का दिमाग कैसा है, लेकिन भाइयों के साथ यू कैन लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई भाई तुम्हारे बारे में उससे बुरा सोचेगा ही, यू नो इट। तो हमारी बॉन्ड काफी अच्छी है सारे भाइयों की। अच्छा, सारे भाइयों की बहुत अच्छी है. अच्छा, कभी आपके दिमाग में आया नहीं क्या जर्नलिस्ट के शायद ऐसे भी कुछ अलग तरह से होता हो, उनका तो बहुत ग्रिल करते होंगे यार. आपके दिमाग में आया नहीं कभी प्रिपरेशन के टाइम. मुझे ना मेरा क्योंकि जस्ट बिफोर द इंटरव्यू मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, और इंटर्नशिप काफी हेक्टिक थी, मतलब सुबह से लेके शाम तक। फिर मतलब ये भी होता है कि अगर आपको टाइम मिल भी जाता है शाम को कुछ करने का, तो मतलब आपका मन नहीं करता, वो कहता है यार सुबह से शाम तक इधर कर तो रहता है, ठीक है लेट जाओ। तो मेरा जो करंट थोड़ा सा न्यूज है, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा वीक थी। अब मुझे मुझे ये चीज लग रही थी कि यार तू जर्नलिज्म की डिग्री लेके जा रहा है, फिर उन्होंने करंट अफेयर न्यूज मुझे लिए तो यार फिर नहीं आती। एंड यू आर द वन हु सेइंग या मेरी करंट अफेयर बड़ी वीक है, मेरी करंट अफेयर बड़ी वीक है. एंड यू जस्ट रीड दो सिलेक्टिव टॉपिक्स जो मुझसे पूछ सकते हैं. सीएनआरसी पढ़ लेता हूँ भाई, पूछ लेंगे. फॉर्म लॉ पढ़ लेता हूँ भाई, ये पूछ सकते हैं. ओ गॉड, सो यू आर इन अ लिटिल पैनिक सिचुएशन एवरी टाइम बिफोर द कमिंग फ्रॉम बिफोर गोइंग टू एसएसबी कि यार पता नहीं क्या करंट अफेयर में पूछ लें, उधेड़ ना दे. ये था, मुझे ये था कि कम से कम जो बिल्कुल हॉट टॉपिक कंट्री में चल रहा है एटलीस्ट उसको तो पढ़ ही लो ना, मतलब कम से कम कुछ तो करके जाओ अपनी तरफ से, पर बिल्कुल ही बेकार होके थोड़ा ना जाओगे। पूरे इंटरव्यू में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं तुम अटक गए, कि किसका जवाब ना दे पाए हो तुम. ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे लगा ही नहीं, मतलब क्योंकि जिसका मुझे ऐसा लगा कि जवाब मैं नहीं दे पा रहा था, मैंने मना कर दिया सर नहीं आता, क्या था वो क्योंकि सवाल उन्होंने जो तुम नहीं पूछा दे पा रहे थे. करंट अफेयर्स का ही था। कह रहे थे कि मतलब कुछ के कह रहे अजरबैजान वगैरह के बारे में कुछ चल रहा था उस टाइम पे, कहते यू नो अबाउट इट। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं है नॉलेज इस बारे में, मैं ऐसे नहीं कि हाँ सर सुना था, कुछ नहीं बोला सर नहीं पता, खत्म हुआ। पर यार लोग तुक्का मार देते, तुम तुक्का मारने को तैयार नहीं हो. कुछ लोग तो होते हैं ना तुक्का मार देते हैं, व्हाई यू आर नॉट रेडी फॉर गिविंग अ तुक्का. मैं मतलब क्या ही करूंगा तुक्का मार के, मतलब अब मैं ऐसे वो काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे मुझे, मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट तो प्ले करना नहीं, जो हूं मैं वैसा हूँ ठीक है, अब जो बट यार नहीं आती एक वो नहीं इंसान आती। के दिमाग में आता है यार, मैं अगर मैं उसको क्वेश्चन स्किप करूंगा ना, ठीक है. आई डोंट नो वेदर यू बीटेक वाले होते हैं ना, उनको हार्डकोर बिलीव होता है. बीटेक वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन सामने वाले कुछ भी पूछा हो बस जवाब जरूर देना है भाई, कुछ तो बोलो कुछ तो नंबर देगा. दे प्ले दैट सेम थिंग इन द एसएसबी. And I did not do it. मेरे जो मेरा दिमाग में था SSB के टाइम पे, जो it might help me, मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे हेल्प करा है। मेरे दिमाग में था कि मेरी नॉलेज वो चेक कर चुके हैं, मैंने अच्छा कहा रिटर्न में उन्होंने नॉलेज चेक कर ली है, जितनी अच्छा नॉलेज चेक करनी थी उन्हें। मैंने कहा उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी चेक कर ली है, मैंने कहा पर्सनैलिटी में मैं उल्टे सीधे आंसर्स नहीं दे सकता। That's great, that's great. But what about the part of those things which you have never done? अब ये बताओ, संजय सर का SSB सागा है, ठीक है ना? वहां तो GTO होता नहीं है. GTO के बारे में you got a fair knowledge from SSB सागा. I agree on that. But you never step on the ground. You never seen a ground. For you, those all obstacles are completely new. ठीक है, नई दुनिया है completely. It seems like you have sent it to Mars and there वहां पर खंबे गाड़ दिए हैं छोटे-छोटे से. अब बताओ क्या करना है वहां से, ठीक है? अब नाउ व्हाट इज गोइंग इन योर हेड. उस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज थी, मैंने कहा कि उस टाइम में बिल्कुल एक 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 वर्ड जो जो जीटीओ बोल रहे हैं, मैंने कहा एक एक वर्ड आराम से सुन लो, मैंने कहा प्रोसेस कर लो, थोड़ा टाइम ले लो। मैंने कहा कि बिना मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने कहा कि ये टास्क करना, कर लिया सर ये चीज नहीं करनी, मैंने कहा सुन लो क्या करना है।
उस टाइम पे एक ये था मेरे दिमाग में कि जो जो एक कोई भी इंस्ट्रक्शन है नो मैटर हाउ लाइक पेटी वो ऐसे फील, बट ठीक है अगर वो मेरे से कह रहा है कि जूते उतार के करना टास्क, ठीक है मैं जूते उतार के टास्क करूंगा बट यू तो हैव अ ये काइंड ऑफ था। यार बिलीव कहाँ से है, लोग नॉर्मली ना आज के टाइम में इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, अपनी बुद्धि लगा देते हैं इंस्ट्रक्शन में भी, बट यू हैव अ काइंड ऑफ बिलीव दैट यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यू आर गोइंग इन टू लाइक डिफेंस राइट, अब वहां पे तो सारी चीज इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए कि कल कोई चीज आ गई और कल मान लो किसी को कह दिया, अगर आप सेलेक्ट भी हो गए, मुझे कल उन्होंने कह दिया कि यहाँ जाना है, इस पॉइंट तक जाके खड़ा होना है, मैं घुस गया टेरिटरी में आगे, चलो गया हूँ तो आगे चले जाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी बात होगा दोनों कंट्री अरे अरे, की सो यू हैव तो अ वो वाली कंप्लीट चीज क्लैरिटी। अरे वाह, मेरे मतलब दिमाग में यहाँ खत्म है। मैंने कहा जो ऑफिसर है जो मतलब जो सुपीरियर है उसकी बात सुनिए, खत्म बात। दैट्स गुड दैट्स गुड। अच्छा कभी ऐसा हुआ दैट इन द G2 दैट यू टच द रेड रेड पार्ट ऑफ और ब्लू पार्ट बाय मिस्टेक? शायद लाइक वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स डिड इट, आई डो नॉट नो हु, तो उन्होंने खुद बोल दिया था कि कोई रूल्स ब्रेक नहीं हुआ, मतलब जीटीओ सर ने ऐसा बोल दिया कोई रूल्स ब्रेक नहीं हुआ, ही डिड नॉट से कि तुमने टच कर दिया, क्या कि कोई रूल्स ब्रेक नहीं हुआ, फिर हमें खुद रियलाइजेशन हो जाता था कि हो गया भाई ऐसे वापस चलो पीछे। तो ठीक है Okay, that's how it is. The GTO was there, but what is going in your head? You know, you've never seen those obstacles in your life. You have a very basic principle जो संजय सर ने तुम्हें बता दिया. How did it help? ठीक है ना, तुमने अभी जस्ट बोला कि सागा, एसबी सागा बहुत हेल्प करता है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार GTO में कैसे हेल्प कर देगा वो. आई कंप्लीटली बिलीव वो कर नहीं सकता. मतलब जो ग्राउंड पे है वो तो अलग चीज है, क्योंकि ना जब हम जाते हैं ना जो क्या कहते हैं ऑब्स्टिकल्स वाले पार्ट होते हैं, मेरे हाँ दिमाग में ये चीज थी कि जब मैं 7-8 ऑब्स्टिकल्स देख रहा था ना, मैंने कहा ये तो हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा हो जाएंगे, कोई कोई इशू है नहीं। फिर पहला करा, फिर दूसरा दूसरा ऐसा आप फट्टा रखते हो और वो इतना सा यू निकलता हुआ रह जाता था, मैं कहा ओ भाई ये कैसे होगा, तो फिर ऐसे दिमाग काम करना बंद कर दिया, अब क्या करना है यहाँ पे। तो बस वही है कि वहां पे टीम वर्क था कम्प्लीट, इट वॉज नॉट लाइक मी अलोन, तो टीम की सुनो, टीम क्या कह रहे हैं, किसके पास क्या आइडिया है, तो उसी को इम्प्लाई करके करके मतलब वो सारा निकल गया। सी एवरी वन ड्रीम कि यार उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए. वॉट्स योर की वो, मतलब इफ अगर तुम्हें एक ना पीस ऑफ एडवाइस देंगे, तो दो छोटे भाई हैं ठीक है, तो अब तुम उन्हें क्या कहोगे कि यार भाई तू ऐसे कर, मैंने पहली बार में करा तू भी निकाल लेगा, वॉट यू विल से टू देम? सबसे पहले कहूंगा कि भाई अपने आप को जानो, लाइक आप क्या चीज हो, अच्छा कि अगर आप ये कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कि किस पार्ट पे आप अच्छा कर सकते हो, या अगर आपके अंदर कोई कमी है तो लाइक डोंट स्टे इन डिनायल, एक्सेप्ट इट। बट देयर सम मिस्टेक यू कांट यू नो से इन फ्रंट ऑफ द यू नो आयो. आपके साथ भी तो होती होंगी, हर किसी की जिंदगी में होती है, कुछ ऐसी चीज होती है जो हम बता नहीं सकते. एंड आई हर्ड इन योर अदर वीडियो यू सेड कि जो तुम अपने बाप को नहीं बता सकते हो तुम उसको क्या बता रहे. मैं छोटे लाइक माय यंगर ब्रदर वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो इस सेट में यंगर ब्रदर, मैंने कहा कि भाई जो बात तो घर पे खुल के नहीं बोल सकता ना, तो वो बात वहां भी खुल के नहीं बोलनी है, दोस्त नहीं है तेरा वो, खत्म बात। पूरा इंटरव्यू आप स्टेयर करते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेके कहाँ जा रहे हो इंटरव्यू, मुझे ऐसा फील हुआ वहां पर। अच्छा पर यार वो बात अभी भी रह गई. एसबी सागा के कोर्स में जीटीयू मदद तुम्हें कैसे कर गया? हाँ तो जीटीओ में पहली चीज जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, नथिंग एल्स। हाँ तो ना अब इंस्ट्रक्शंस आप किस तरीके से हेल्प करते हैं ना, अब मुझे ये लगा कि वो आपको घुमाने की भी कोशिश करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कितने किस तरीके से फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे। तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल टास्क था वहाँ पे सबसे पहला हमें इंस्ट्रक्शंस मिला होता है, जैसे कि जब तक आप सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर लेते यू कैन नॉट रिपीट इट, यू कैन नॉट रिपीट एनी टास्क। तो उसमें एक 6 फीट वॉल था, तो 6 फीट वॉल आई ट्राइड बट आई कुड नॉट डू इट, तो मैंने कहा चलो इस पर टाइम नहीं लगाते हैं, दूसरी चीज पे ध्यान देते हैं, मैं दूसरी चीजें करने लगा। फिर मुझे लगा कि जो टास्क हो गया मैं इस पर चलता हूँ 6 फीट वॉल पे दोबारा, तो जितनी देर में वहां तक पहुंचा उतने में वो टाइम ओवर हो गया। तो जीटीओ सर मेरे से कहते हैं कि हैव यू कंप्लीटेड ऑल ऑफ योर टास्क, मैंने कहा नो सर आई हैव, तो ही वाज लाइक देन व्हाई वर यू रिपीटिंग द वॉल, मैंने कहा सर आई वाज नॉट रिपीटिंग द वॉल, आई जस्ट डिड नॉट डू इट ऑन द फर्स्ट प्लेस, कह रहे ओ यू यू डिड नॉट डू इट, मैंने कहा नो सर आई डिड नॉट डू इट, तो ही वाज लाइक ओके, तो उधर चला गया। तो जब मैंने मतलब ऐसे अपने रूममेट्स को बता रहे ऐसे ऐसा हुआ है, तो कह रहे यार तू पागल है, तुझे वॉल के फ्री के नंबर मिल रहे, मैंने कहा तू पागल है, वो मुझे देखने के लिए खड़ा, मतलब उन्हें यही नहीं पता कि मैंने वॉल करी नहीं करी, अरे तो नथिंग। करेक्ट बात है, तो करेक्ट बात है. ओके, यहां तक की यही कहानी हो चीज गई, है, बट द लास्ट पार्ट इज अ कॉन्फ्रेंस. 15 मिनट तुम्हें इंतजार करना पड़ा, सुना तो होगा जिसको इंतजार करना पड़ता है उसके चांस होते हैं रिकमेंड होने के, दिमाग में तो कहीं आया होगा.
नहीं मेरे पता नहीं, मैं उस टाइम तक नहीं सुना था मैंने ऐसा, उस टाइम तक ऐसा अच्छा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद सुना है। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस हो गई थी थर्ड डे, सिर्फ हाँ हमारे वाले रूम की, तो 2 दिन हम कॉम्प्लीमेंट्री स्टे में था। तो फिर क्या हुआ, तो हम जीटीओ के बाद आए, एक तो सारे जीटीओ के बाद वहां पहुंचे, वहां वेट करने लगे, और हर कोई ऐसे जाता था 10 सेकंड बाद दूसरा चला जाता था, फिर 10 सेकंड बाद दूसरा चला जाता था। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी जाके बैठ गया। अब मैं बैठा, मैंने कहा कि ठीक है मेरा नंबर आएगा। मैं कहा थोड़ा टाइम हो गया, मैंने कहा नहीं यार ये 10 सेकंड से तो ज्यादा हो गया, मुझे पता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन 10 सेकंड से तो डेफिनेटली ज्यादा हो गया। तो फिर थोड़ी देर में सोचा, फिर मैं गिनती भी गाने शुरू कर दी मन मन में, 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी, मैं क्योंकि घड़ी तो उतरवा देती हूँ। मैं कहा 500 तक पहुंच गया, तुम कहाँ जा रहे हो ये। तो अब उसके बाद फिर जब मैं गया ना, तो आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज वेरी नर्वस। मैंने कहा क्या चल रहा था अंदर डिस्कशन, ऐसा क्या चल रहा था, मतलब मेरे वाले पे चल रहा था, पिछले वाले पे चल रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग अंदर। तो मैं गेट खोला और आई वॉज लाइक ग्रीटिंग के टाइम पे ना, मैं ग्रीटिंग भी ऐसा हो गया हेलो ग, इतने में वो प्रेसिडेंट सर कहते हैं, मैं गुड मॉर्निंग सर, प्रेसिडेंट सर के दर से कहते हैं इट्स गुड आफ्टरनून ऑलरेडी यार, व्हाई आर यू सेइंग गुड मॉर्निंग। मैंने कहा ठीक है गुड आफ्टरनून, फिर मैं जाके बैठ गया। फिर उसके बाद फिर वही चीज हुई, जब एक बार प्रेसिडेंट सर ने बात करनी यार शुरू एक करी बात तो मुझे आई फिर वॉज से लाइक बताया, कभी तो होता होगा जैसे अभी गुड आफ्टरनून वाली बात हो गई है, यू डेड अ सिली मिस्टेक, ठीक है ना। अब अदर हो जाता है यार, वो घबरा जाता है, हद घबरा जाएगा भाई, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वो गुड आफ्टरनून कह रहा है, गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं क्या, बुद्धि नहीं क्या मेरे अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ तू नहीं हो रहा है यार, तू कैसे नहीं हो रहा है, तेरे दिमाग में ऐसा क्या है यार, तू सच सच बता, तू ये तीस लाइन बोल के छोड़ दे रहा है मुझे। आई नो यू वाना व्हाट यू वाना से कि आई डोंट केयर यार, जो हो गया हो गया, पर स्टिल यार हॉर्न तो होता होगा, इतने सारे ऑफिसर बैठे हैं। अब मेरी बात जब शुरू हो गई, फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहता आसपास का। लाइक मैं लाइक क्योंकि आई लाइक टॉकिंग व्हाट आई नो, ओके जिसके बारे में मुझे पता है मुझे मजा आता है उसके बारे में बात करने में, और जिसके बारे में मुझे बात करने में मजा आता है, फिर मुझे घंटा भर नहीं पड़ता आगे पीछे क्या चल रहा है। मैंने कहा ठीक है अब मैंने कहा आप बैठ के बात करेंगे। दैट्स गुड यार, इफ यू रिमेन कूल तो सबसे बड़ी बात है यार, प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है सिचुएशन, उसको झेल जाओ तो आगे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नाउ योर यू नो वेंट फॉर एसवी, जो कॉन्फ्रेंस अगले 15 मिनट तक बहुत लंबी चलने वाली है, ठीक है। अब हर टॉपिक पे लेवल बात हो रही है, बट व्हाट्स गोइंग इन योर हेड, क्योंकि ये इस बारे में आई डोंट थिंक, तो तुम्हें किसी ने ब्रीफ किया होगा कि कॉन्फ्रेंस में इतना कुछ हो जाएगा। पता ही नहीं था कि कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी भी चलती है। मैं तो ये 15 सेकंड में मैंने कहा, मैं मेरे दिमाग में उस टाइम ये चल रहा था कि लाइक ऐसा क्या हो गया जो मेरे बारे में मतलब मेरे से इतनी लंबी बात कर रहे हैं, इतना पसंद आ गया लोगों को कि मतलब नहीं ये बंदा तो चाहिए चाहिए हमें। तो लाइक ये चीज मेरे दिमाग में चल रही थी काफी, कि मैंने कहा ऐसी क्या चीज चल रही है कि मतलब ये इतनी लंबी बात चल रही है। मैं आंसर्स दे रहा हूँ ठीक है, जहां जहां ब्रेक मिलता था वहां ये चल रहे थे। मैंने कहा फिर जैसे मैंने कहा अच्छा ये हो गया होगा, फिर उन्होंने एक आधा और क्वेश्चन पुट कर लिया। मैंने कहा ठीक है बस जाने दो। ओके सो आई लाइक टू गो विद दोस क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन पोज ऑन यू? इट वाज लाइक नॉर्मली स्टार्ट हुआ था कि हाउ वाज योर स्टे एंड ऑल दीस थिंग्स, के फिर उनका था कि मैं पीआर में काम कर रहा था, पब्लिक रिलेशन में उस टाइम पे, तो वो मालूम कर रहे थे कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैव यू डन इन योर जॉब, मतलब इंटर्नशिप कैसी रही। तो मतलब इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ऐसा मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ही इज असेसिंग मी। आई फेल्ट लाइक कि ही जस्ट वांट टू नो कि क्या चल रहा है मेरी मे भी जिंदगी शायद वो आपका में। वार्म अप है, बट आने वाले क्वेश्चंस क्या थे? आने वाले क्वेश्चंस में ये था कि जो मैंने फिल्म बनाई थी कि फिल्म का टॉपिक क्यों था, आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम पे। फ्रैंकली व्हेन आई वाज इन माय 12th, तो हमारा कोई भी प्रैक्टिकल ऐसा हुआ नहीं कि मतलब जाके प्रैक्टिकल हमसे कराया गया हो या कुछ करा, और स्टिल वी वर लाइक गिविंग द प्रैक्टिकल्स। और मुझे ऐसा लगता है साइंस स्ट्रीम में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब उनका प्रैक्टिकल तो बहुत ज्यादा नेसेसरी, जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे हमेशा से ये चीज लगती थी कि ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना हम क्या कर रहे हैं, हम ना रटी रटाई चीज पढ़ा रहे हैं, हम ना हम पोटेंशियल किसी का ग्रो करने ही नहीं देते। हम एक सेट पैरामीटर रख लिया है कि नहीं हर किसी को इसी से फॉलो करना है, इसी के थ्रू जाना है, और प्रैक्टिकल नहीं होते किसी भी चीज के। तो माई फिल्म वॉज ऑल अबाउट दैट कि कैसे चीजें होती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं। तो ही वॉज आस्किंग अबाउट माई फिल्म के क्या आइडिया आया था, क्यों आया था, आपने क्या करा था फिल्म में। तो ऐसा था। फिर उसके बाद फिर वो जर्नलिज्म एंड एथिक्स वाली कुछ बात आ गई थी, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ऐसा था। फिर उसके बाद बस
इतना ही नॉर्मल था, यही चीज थी। बट दिस द ऑन गोइंग, दिस अ वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन, बट कहीं लग नहीं रहा। अब यार इतना क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, तुम भेज ही नहीं ये रहे। था दिमाग में था, ये मेरे दिमाग में था कि मतलब मैंने कहा हर कोई 15 सेकंड में आ गया, मतलब तुम प्लस ये एक और चीज होती है कि जब आप इंटरव्यू देते हो या कॉन्फ्रेंस में होते हो ना, कि आप इंटरव्यू से बाहर आते हो आपके तो 70 मिनट निकल गए, पता ही नहीं चलता। एक ये भी रहता है कि थोड़ा सा है तो ये है, लगता है ये सब है, बट आफ्टर दैट यू गेट फेमस इन योर ओन एसएसबी के लास्ट के 2 दिन तो वहीं स्टे करना है ना। सो हाउ यू गेट फेमस और वहां पर लोग आके क्या बात कर रहे थे तुमसे? आई थिंक तुम्हारे पास हर पे प्रेडिक्शन लगा रहा भाई, ये तो हो गया भाई, तू तो होगा भाई। मैं बर्तन धो रहा हूँ उधर आए, और जो चेस्ट नंबर, ओ यू आर चेस्ट नंबर 16, मैंने कहा यस आई एम चेस्ट नंबर 16। कहते कितनी लंबी चली, लंबी चली, तेरा तो हो गया, मूवमेंट जब आपके नाम लिया जा रहा था, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? ओके तो उस भर क्या हुआ, तो हम मैं बैठे रहते कि मैं ना लाइक आंखें बंद करके ऐसे आराम से सुन रहा था उस टाइम पे, सारा फोकस ऐसे सुनने में। तो अब जैसे उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 9, मैं कहा चेस्ट नंबर 9 उठा, वो बोल के चला गया। फिर उन्होंने कहा चेस्ट नंबर 16, मैंने कहा ठीक है बगला देखते कौन जाएगा। फिर मैंने कहा चेस्ट नंबर 16 जा क्यों नहीं रहा है? तो ही वाज लाइक अगेन चेस्ट नंबर 16, मैंने कहा ओ मैं ही हूं, मैं खड़ा हो गया एकदम गया। तो इट्स लाइक दैट, दैट वाज लाइक दैट। बट व्हाट व्हाट इज इन योर हेड, क्योंकि एकदम से ग्रुप से अलग हो जाते हो यार आप। It was very like unbelievable for a moment. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब, क्योंकि ना जो सबसे अलग चीज थी ना, जब आप ग्रुप के साथ थे तो आपको नहीं रियलाइज होता कि आपने ऐसा अलग क्या कर दिया जो सारे ग्रुप ने नहीं करा, क्योंकि हर कोई सेम चीज कर रहा है, हर कोई मतलब अपने पॉइंट्स रख रहा है, हर कोई मतलब एफर्ट्स लगा रहा है। तो मतलब ऐसा ये थोड़ी देर तो ये सोचते रहते हो कि आपके मतलब आपने ऐसा क्या करा कि नहीं, जो इन्होंने ये 60-70 बच्चे बैठे, इन्होंने कहा कि नहीं इस वाले को लेना है, मतलब वो चीज थी बहुत ज्यादा। ये बात ठीक है, बट व्हाट इज योर फादर डू? माय फादर हैज अ बिजनेस। ओके सो इट्स अ लार्ज स्केल बिजनेस और स्मॉल स्केल बिजनेस? अ स्मॉल स्केल बिजनेस। सो एक इंसान जो बहुत ही हंबल फैमिली से आया है, ठीक है ना, और प्लीज डू नॉट माइंड, बट मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो यू नो गरीबी में आती है, ठीक है ना, और एक मिडिल क्लास का बच्चा जब यहाँ पर पहुंचता है, सो व्हाट, क्या माहौल क्या बदल गया तुम्हारा? It was very different. Like it is my father's like hamesha se dream ki he is like ki agar main unko do options dunga na aaj bhi, agar main kahunga ki abbu job mil rahi hai 10-15 lakh rupaye mahine ka package hai, aur main kahunga abbu group officer job mil rahi hai, matlab aayenge wahi cut cut aake 1-1 lakh, to he will always say ki bhai group officer. To main 10-15 lakh bhi chote bol diye, maine kaha main like मैं ज्यादा ही बोल दूँ ना कि इतने पैसे मिल रहे हैं, ही इज लाइक नेवर मनी माइंडेड, और उनका हमेशा ये रहता है, उनके एक डायलॉग हमेशा से रहता है कि तुमने देश को क्या दिया, तुमने देश को क्या दिया, तुम्हारे तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है देश में, तुम बस ये बताओ। तो ही इज ऑलवेज लाइक कि अगर तुम जाओगे ऐसे ऑटो पे जाओगे, तुम ऑफिस से बैठोगे, तो यू कैन लाइक मेक चेंजेस, यू कैन लाइक लीड द कंट्री इन बेटर डायरेक्शन। तो मेरे दिमाग में स्टीम ये थी कि अच्छा ये एक चीज मतलब एक स्टेप मैंने आगे रख लिया है उस डायरेक्शन में जिसमें वो देखना चाहते हैं मुझे, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। दैट्स वेरी हैप्पी, दैट्स ग्रेट ब्रदर, यू गिव अ ग्रेट मोमेंट विद अस एंड ग्रेट शेयरिंग ऑफ दिस, एंड थैंक यू सो मच ब्रदर। थ्री टू वन गो, अयाज ने जस्ट कट, थ्री टू वन गो, कट, थ्री टू वन गो, अयाज ने जिस कोर्स में एनरोल लिया था वो आपके जस्ट सामने है, वो 17 जून से स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं इसको, और आप इसमें एनरोल हो सकते हैं विदाउट एनी प्राइस है, क्योंकि सुनने में आया है कि अनअकैडमी अपने प्राइस बढ़ा रहा है, सो मेक श्योर यू डू नॉट लूज मनी, क्योंकि आपके लिए पेरेंट्स के पैसे बहुत वैल्यूएबल है। अब इसके अलावा आप SSB सागा का, संजय सर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा अनअकैडमी प्लस CDS/SSB, और इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 10% के डिस्काउंट के लिए, जो मैं आपको बता रहा था कि 12 महीने का कोर्स आपको 6 महीने के प्राइस पे मिल सकता है, कैसे,
तो पहले आपको वार्षिक कूपन कोड इस्तेमाल करना है और उसके बाद गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल करना है। जब आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे तब आपको एक मैसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और आपको गोल्ड कॉइन इस्तेमाल करने के लिए साइन इन करना होगा, जिससे आपको 550 गोल्ड कॉइन मिलेंगे और एक गोल्ड कॉइन 1 रुपए के बराबर है। तो इस तरह से आपका जो डिस्काउंट हो जाता है वो बहुत ही मैसिव हो जाता है। अब आप लोगों को बहुत क्वालिटी कंटेंट की मतलब चिंता रहती है यार, कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए, कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए, कहीं मैं मम्मी पापा के पैसे खराब ना कर दूं और वो इतना ट्रस्ट मेरे पे करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट यहाँ मिलता है, और इनफैक्ट ये बात मैंने पूछी थी कि यार कई कोचिंग लिटरली ऐसी होती है जो पैसे लूट रही होती है, तो यहाँ पर मैंने क्वालिटी का ना क्रॉस चेक कई बार किया। अब मुझे ऑनेस्टली बताना जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है बहुत लोगों के लिए। लाइक कई लोगों के दिमाग में कोचिंग के लिए ना एक बात होती है कि यार कोचिंग तो पैसा बना रही है, ठीक है, उसको दूसरे को कंटेंट या क्वालिटी देने से कोई मतलब नहीं। तुम मुझे इतना बता रहे हो कि कोच अनअकैडमी क्लासेस अगर तुम पूरी कर भी लो ना तो वही कंटेंट बहुत है। हाउ ट्रू इट इज? सर, इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब अगर मैं सही मायने में बोलूं तो उसमें कंटेंट इतना सारा है एंड इतना एक्स्ट्रा एडेड कंटेंट है कि अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जो बात आपने हर्षित से सुनी है ना, वो बात मैंने मतलब अनअकैडमी के हर स्टूडेंट से सुनी है। लेट मी टेल यू, संजीव जिनका आपने शायद हो सकता है इंटरव्यू देखा हो, विशाखा, अर्जुन, सबने एक ही बात की है, जस्ट लिसन टू इट। तो टीचर्स की बात की जाए तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहली बात उन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उन्होंने बुक से उठाए होंगे। ओके मतलब अगर संजय सर, दिव्या मैम, विशाल सर, कोई भी टीचर अगर कोई नोट्स लेके आ रहा है, ने नोट्स बनाए हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई बुक से बनाए होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेंस बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत से बनाए होंगे, तो उन्होंने बेस्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं एनालिसिस से पता कर चुका हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत स्पेसिफिक है, इससे आने वाला है, तो अपने आप ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ आ रहा है तो मैं और बुक्स क्यों पढ़ू, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूँ, इससे अच्छा मैं किसी और चीज में अपने एफर्ट्स डाल दूँ, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लूँ मैं, बट फालतू की बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता होगा जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बहुत ही काउंटर सवाल करता हूँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मैं एक लड़की का इंटरव्यू लेता, विशाखा। जब मैं विशाखा का इंटरव्यू ले रहा था मुझे लग रहा था लड़की झूठ बोलेगी, कुछ सक्सेस स्टोरी में लोग झूठ बोलते हैं, तो मैंने काउंटर सवाल पूछा था रिगार्डिंग सोर्सेस क्या है सीरियस के प्रिपरेशन के। बट यू जस्ट लर्न फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस, राइट? हाँ जी, तो किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, लूसेंट पढ़नी होती है, ऐसी किताबें किसी ने बताई थी आपको? बिल्कुल बताई थी। व्हेन आई हर्ड कि लेकिन जब आप प्रिपरेशन के अंदर एंटर करते हो, सो हाँ द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपको करनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। हाँ फिर इनफैक्ट मैंने की भी थी, मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की थी, हाँ उसके आगे नहीं पढ़ी। फिर मैं अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं से फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एजुकेटर दैट आई लाइक्ड। अब आपने तीन लोगों के छोटे छोटे क्लिप्स देखे, हर्षित, संजीव एंड वैशाखा। अब जब आपने तीनों के क्लिप्स देखे आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कहीं ना कहीं सच है कि क्वालिटी कंटेंट अनअकैडमी ध्यान में रख रहा है। भाई ऐसे लोग होते हैं जो फ्री प्लस क्वालिटी कंटेंट दोनों एक साथ ढूंढ रहे होते हैं, और इसमें उनका टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। समय से तुम्हारी लड़ाई है भाई, तुम कॉम्पिटिशन में हो, कॉम्पिटिशन में समय की बहुत वैल्यू होती है। सो यू विल गेट यू आर गेटिंग अ क्वालिटी कंटेंट ओवर हेयर ऑन अन अकेडमी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करो, एक बार जाके देखो, आपको फ्री क्लासेस भी वहां पर देखने को मिलती है। मैं लेता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, एंड मेक श्योर टू यूज कूपन कोड वाशने एंड गोल्ड कॉइन फॉर द मैसिव डिस्काउंट। वो है